sentence, end of the sentence. So what does it mean? It simply means के आपने literal translation जो है उसके ऊपर focus भी करना है. Literal translation, word by word, यानी लफ्जों के तर्जुमे बना के translation नहीं करना. On the other hand, जब मैं कहता हूँ sense को translate करना है, तो it does not mean कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा और मुहावरा translation शुरू करो. ये भी नहीं करना. So what you are supposed to do? You are supposed to follow a formula that I'm going to share with you. That formula will give you an understanding कि translation होती कैसे है. क्योंकि कुछ sentences बड़े straight sentences, जैसे कि मैं एक तालिबे इल्म हूं, आप इसकी ट्रांसलेशन क्या करेंगे? I am a student. It's very straight. ठीक है, मीनारे पाकिस्तान लाहौर में है. मीनारे पाकिस्तान इज इन लाहौर. लाहौर एक बड़ा मशहूर शहर है. लाहौर इज वेरी पॉपुलर सिटी, तारीखी शहर है, इज ए हिस्टोरिक सिटी. यही करेंगे ना. लेकिन देर आर सर्टन सेंटेंसेज विच आर नॉट स्ट्रेट. दे आर नॉट स्ट्रेट. आप बोलते हुए बोलते हो, यार मैंने जाना था, मैं जाते जाते रह गया. बोलते हो नहीं बोलते? इट्स अ कोलोकियल स्टाइल. एंड लेट्स सपोज ट्रांसलेशन ऐसी आ जाती है, कोलोकियल स्टाइल में आ जाती है, इनफॉर्मल लैंग्वेज में आती है, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या उसको छोड़ देंगे? नहीं, डेफिनेटली ट्रांसलेट करना पड़ेगा. लेकिन ऐसा भी नहीं कि बगैर सोचे समझे ट्रांसलेट करते हैं. ऐसा भी नहीं कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. सो व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, एक सेकंड होल्ड. अच्छा सॉरी, वो बीच में उसका दादी के मैसेज इंपॉर्टेंट देखना पड़ जाता है. क्या कह रहा था मैं? कि हाँ, कि कुछ होंगे जिसको कलोकियल स्टाइल में होंगे, फॉर्मल स्टाइल में, इनफॉर्मल स्टाइल में, अगर वो आ जाता है जुमला, ट्रांसलेट तो करना. ऐसे तो नहीं कि नहीं ट्रांसलेट करना, बट इट डज नॉट मीन कि आप उसको लफ्जी तर्जमा कर देंगे, ना ही आप उसका वो करेंगे, क्या कहते हैं, इतना हम हवरा करेंगे, बस अपनी मर्जी की कर दें ट्रांसलेशन. एक मतलब कोई और ट्रांसलेशन कर रहा है, कोई और ट्रांसलेशन कर रहा है, कोई और ट्रांसलेशन कर रहा है, ऐसे नहीं होगा. देयर इज अ वे टू डू दैट ट्रांसलेशन. ठीक है, तो बेसिकली जब आपको ट्रांसलेशन दी जाती है ना, सीएसएस के खास तौर पर पैराग्राफ, उस ट्रांसलेशन के अंदर आपको ये खास तौर पर ध्यान रखना है कि सारे सेंटेंसेस would not be straight and simple. There are certain sentences which have to be reconstructed, jinko reconstruct karna padega, and without reconstruction they cannot be translated. theek hai ki nahi? jaise ke main jaate jaate reh gaya means main jana tha maine magar main nahi gaya. ये पहले इसका मतलब समझना है. ये है मतलब इसका. मतलब समझने के बाद आप इसको रिकंस्ट्रक्ट करें, राइट? शॉर्टली मतलब मैं नहीं गया, सिंपल मैं नहीं गया. यू गॉट माय पॉइंट. ओके, देखो दो लैंग्वेजेस कभी भी ट्रांसलेट नहीं हो सकती एक दूसरे 100% एक जैसे. आपको गहराई से बात समझ आ जाए, आप जल्दबाजी में ना करना. होता यह है कि लोग ना इंटरनेट पे जाते हैं, वो फोरम्स पे आजकल स्टूडेंट आते हैं, फोरम पे जाते हैं, वहां से ट्रांसलेशन मिली, वहां से कर लिया, गूगल से ट्रांसलेट करवा लिया, चैट जीपीटी से करवा लिया. बिल्कुल भी ना करना ये गलती, बिल्कुल भी ये गलती ना करना. खामखा ही सारे स्कॉलर बने हैं. चैट जीपीटी भी खामखा का एक स्कॉलर है,
गूगल भी स्कॉलर ऐसे नहीं है, उसकी ट्रांसलेशन ठीक नहीं है. डोंट डू दैट. बिल्ड अ स्किल. नेचुरली आपको आना चाहिए, नेचुरली आ जाएगा तो आसान हो जाएगा. शुरू में मुश्किल होती है चीजें, लेकिन ऐसा आसान हो जाएगा. ये जब जैसे आपको कैसे लिखनी आ गई, नरेशन लिखनी आ गई, आप देखना इंग्लिश कितनी आसान हो गया. ठीक है जी. तो अच्छा करना क्या है कि दो लैंग्वेजेस में जैसे मैंने कहा कि कैन नॉट बी कंपेयर्ड, लैंग्वेज इज ए कल्चरल फेनोमेना, राइट. एक कल्चर में पाए जाने वाले ऑब्जेक्ट्स, एक कल्चर में पाए जाने वाली की जाने वाली प्रैक्टिसेस, एक कल्चर में जो जो कहते हैं किसी चीज को देखने का नुक्ता नजर, दूसरे कल्चर में एग्जिस्ट नहीं करता. तो जब ये चीजें दूसरे कल्चर में एग्जिस्ट नहीं करते तो वहां पर उस तरह की वोकैबुलरी भी पॉसिबल नहीं है, वो वोकैबुलरी भी पॉसिबल नहीं है. ठीक है. इसी तरह एक ही कल्चर के अंदर, एक ही लैंग्वेज के अंदर एक लफ्ज जो है वो डिफरेंट कनोटेशंस में लिया जाता है. मिसाल के तौर पर अगर आप उर्दू में देख लो तो तीन वर्ड्स हैं, पूर तुम और आप. ठीक है ना, तीनों वर्ड्स आप सामने वाले को पुकारने के लिए यूज कर. लेकिन आप को पता है कि तू की कनोटेशन क्या है, तुम की कनोटेशन क्या है और आप की कनोटेशन क्या है. इन कनोटेशन के मुताबिक अगर आप ड्यूटी करते तो देयर आर रिपरकशंस. बड़े किसी को कह के देखो ना तू, तो चमाट लग जाएगा, एक तेरा तमीज नहीं है, राइट. बच्चे को आप तू करके बुला लेते हो, लेकिन बच्चा होगा थोड़ा सा इंटेलिजेंट और वो तू बोले और आप उसको मना करो, बेटे ऐसे नहीं कहते, तो वो पलट के आपसे कहेगा आपने मुझे क्यों चूका. आप जितनी मर्जी इंटेलेक्चुअल वजाहत देते रहे, फॉर दिस रीजन फॉर दैट रीजन ही वुड नॉट एक्सेप्ट इफ ही इज एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, इफ इज एन ओपन चाइल्ड. मेरे साथ वाक्य हुआ था ना, मुझे पता. वो बच्चा मेरा बेटा किताब लेके आ जाएगा, कहेगा देखे कि हिम्मत में लिखा हुआ क्यों. मैं कई दफा ये कोट कर चुका हूँ, पाता वो देखा जी अल्लाह के लिए तू का लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहे. What kind of answer you would have? You would have no answer. मेरा कहने का मकसद सब ये है कि देखो ये different connotation होती है, हमें अपने culture के मुताबिक दूसरे culture को नहीं देंगे, हमें उस culture को. कैसे, क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि जब आप translation करने जाओगे तो आप कई लोगों को as a एहतराम plural sense पे बुलाओगे, right? लेकिन अगर अंग्रेजी में वो plural sense नहीं है एक singular person के लिए तो क्या करेंगे? तो उसी को उसी इंग्लिश के कानून के मुताबिक फॉलो कर. अब इस बात की सारी तमहीद का मकसद क्या? तमहीद का मकसद यह है, नंबर वन, व्हेन यू रीड उर्दू यू अंडरस्टैंड उर्दू बीइंग रिटन इन द कन्वेंशंस ऑफ उर्दू कल्चर. व्हेन यू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश देन यू योर फोकस शुड बी ऑन द कन्वेंशन ऑफ इंग्लिश सेंटेंस कंस्ट्रक्शन. ये आपस में मिक्स ना, जिसका बहुत ज्यादा खतरा होता है कि अभी आपको होगा शुरू में, उसके बाद जो मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूं उस फॉर्मूले की प्रैक्टिस काफी टाइम करने के बाद ये आसान होगा, एकदम नहीं. फॉर्मूला बहुत आसान. ठीक है जी. अब मैं एक चीज इस हिसाब से जो मैंने कहा कि कुछ सेंटेंसेस प्लेन होते हैं, कुछ रिकंस्ट्रक्ट करने पड़ते हैं, उस हिसाब से मैं आपको एक पेपर पहले दिखा देता हूँ. जस्ट वेट, मुझे ये बताओ कि अभी आप जो मैंने बातें की वो आपने गौर से सुन या लिख ली हैं मेरी बातें जो मैंने इन पॉइंट्स की फॉर्म में बताई, जैसे कि कुछ स्ट्रेट हैं कुछ स्ट्रेट नहीं है, ये बातें मैंने जैसे की हैं नोट कर रहे हो ना? बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे. सीक्वेंस पे एक नोट बना दो. मैं एक मिनट प्रेसी का पेपर में डालता हूँ और मैं 2018 की ट्रांसलेशन करेक्ट करवा के उसी के ऊपर प्रैक्टिकल समझाऊंगा. आई टीच यू इन अ वेरी मोस्ट प्रैक्टिकल वे. ठीक है.
ये नजर आ रहा है जी, एक सेकंड, ये ठीक नजर आ रहा है आपको, पैराग्राफ नजर आ रहा है? ओके, ये 2018 की ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन पे जाने से पहले इस बात का मतलब समझो कि जो लिखा ना, ट्रांसलेट द फॉलोइंग ऑफ द पैराग्राफ इन इंग्लिश बाय कीपिंग इन व्यू रिलेटिव एंड इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, इसको पहले समझ लो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली थिंक दैट इडियोमेटिक एक्सप्रेशन मीन्स यूजिंग इडियम्स। नो, इट्स रॉन्ग। इट डज नॉट मीन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, डज नॉट मीन यूजिंग इडियम्स। इट्स अबाउट एक्सप्रेशंस, फिगरेटिव एक्सप्रेशंस। व्हाट डज दिस मीन, जो मैंने बात शुरू में बताई कि उर्दू पैराग्राफ उर्दू के कन्वेंशंस को, उर्दू लैंग्वेज के रमूज को, कवायद और जवाबत को फॉलो करके लिखा गया। जब आपने इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश के कवायद और जवाबत रूल्स के मुताबिक, आपने इसको लिखना है, मगर इसेंस इसकी डैमेज ना हो, इसका मीनिंग कॉम्प्रोमाइज हो, इसका थीम कॉम्प्रोमाइज हो। अच्छा, उर्दू कन्वेंशन और इंग्लिश कन्वेंशन से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर इस पूरे पैराग्राफ पे आपको कहीं पंक्चुएशन नजर नहीं आई। As you can see, there is only a full stop, nothing else. Yes or no? Right? लेकिन जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इस सेंटेंसेस का सीक्वेंस ऐसा है, इनका मीनिंग ऐसा है, इनकी कॉनोटेशन ऐसी है कि यू हैव टू अप्लाई पंक्चुएशन इन सर्टन सेंटेंसेस। गॉट इट? इफ यू डू नॉट फॉलो दैट, तो इसका मतलब है आप एक्सप्रेशन वाला जो इडियोमैटिक वाला मामला है उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, ये लग रहा है कि उर्दू के एक जुबानदान ने लिखा है, इंग्लिश लिखते हुए लगे ही ना कि ट्रांसलेट हुआ, बल्कि लगे इंग्लिश के जुबानदान ने लिखा। ही नोज इंग्लिश लैंग्वेज, जिसका मतलब यह कि आपने लफ्जी तर्जमे खाली नहीं किया। आई बात समझ? यू गॉट माई पॉइंट? तो अब उसमें अगर आप इंग्लिश के रमूज को, कवायद ज़वाबत को, पंक्चुएशंस को, सेंटेंस स्ट्रक्चर के रूल्स को आप जेन में रखोगे, वोकैबुलरी की लेक्सिकल सेंसिबिलिटी को जेन में रखोगे कि कौन सा वर्ड कब कहाँ किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, तो वो इडियोमैटिक एक्सप्रेशन होगा, राइट? अच्छा, हाउएवर अगर इस उर्दू पैराग्राफ के अंदर there are used idioms being used, for example, in Urdu language, and you are sure that you not only know the English word for that, an English idiom for that, but you also know the perfect usage of that, फिर तो आप use करो, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आपको ना बारीक नुक्ते जितना भी शक है ना कि मेरा idiom English में structure में नहीं आ सकेगा, मुझे sentence भी use करना आता, don't touch it. Use simple words. Preferably, अगर आप मुझे पूछो कि सर ट्रांसलेशन कैसी होनी चाहिए, preferably be simple. The same rule for the pressing. Be simple. Familiar English. Don't make it complex, complicated. ठीक है जी, ये सिंपल सा रूल है। यहां तक समझ आ गई बात? मैं तमहीद सारी बांधता जा रहा हूं ताकि आपको हर बात क्लैरिटी से समझ आ जाए। समझ आ गई? अच्छा, अब देखो, जो मैंने लफ्ज कहा था कि एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज में एज इट इज ट्रांसलेटिंग, उसकी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कुछ सेंटेंस स्ट्रेट होते हैं, कुछ रिकंस्ट्रक्ट करने पड़ते हैं, तो उसकी एग्जांपल मैं इसी पैराग्राफ के अंदर दिखा रहा हूँ। ये पैराग्राफ मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है कि इट इज नाइदर टू ईजी नॉर टू डिफिकल्ट, इट्स ऑफ ए मॉडरेट, यू नो, वॉल्यूम, मॉडरेट क्या कह सकते हैं उसको, मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल का, ठीक है। और इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की साख और अल्फाज का चुनाव ऐसा है कि आपको एक जनरल आइडिया, चूंकि समझने के लिए कभी भी मुश्किल चीज को नहीं हाईलाइट करना चाहिए, समझने के लिए मॉडरेट जो होता है ना लेवल, वो रखना चाहिए। तो ये आपको एक बड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग दे देगा, बेस्ट एक्सपोजर देगा ट्रांसलेशन के अंदर। तो इस ट्रांसलेशन को मैंने इसलिए भी चुना है कि इसके अंदर एक बड़ा बैलेंस हुआ हुआ है। एक सेंटेंस जैसे कि ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, लेकिन ये वाला जो सेंटेंस है ये रिकंस्ट्रक्ट, ये फिर सिंपल सेंटेंस है और ये फिर रिकंस्ट्रक्ट, ये जो सेंटेंस है ये ऑलमोस्ट सिंपल दोनों, रिकंस्ट्रक्शन दोनों के फॉर्म में।
ठीक है जी। तो ये बड़ा एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है। अच्छा, अब जो मैं कह रहा था कि लिटरल ट्रांसलेशन भी नहीं करनी, मुहावरा भी नहीं करनी, बड़ा बैलेंस करना है, री सेंस करना है कि पहले सिंपल सेंटेंस हो उसको रिकंस्ट्रक्ट, उसका मतलब जा सकते। देखो ये लिखे लाहौर शहर सियासत ही नहीं सकाफत का कभी मरकज, ये इट्स अ वेरी प्लेन सेंटेंस, जैसे आपने बोला ना आई एम स्टूडेंट, ये वैसा। लेकिन ये जो लफ्ज है ना मुगलों की सकाफत ने रूज का जमाना शहर में देखा, ये अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो ये स्ट्रेट नहीं है। देखा लफ्ज के लिए आप फौज विटनेस नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन जिसने देखा, यू आर टॉकिंग अबाउट देयर कल्चर जिसने देखा, मुगलों की सकाफत ने देखा है, मुगलों की सकाफत ने देखा। पहला पॉइंट नोट करो, पहला पॉइंट, ये मुगल नहीं देख रहे, मुगलों की सकाफत देख रही है, सकाफत की आंखें नहीं होती, लिहाजा वॉच विटनेस इसके इडियोमेटिक एक्सप्रेशन को वीक कर देगा। लगा सकते हो, दिखाऊंगा कब लगा सकते हो, कैसे लगता है, लेकिन जैसे 10 में से 10 नंबर अगर मिलने हैं तो समझो 10 में से 9.5 मिलेंगे, मे बी 9 मिलेंगे, मे बी 8.5 मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ द एग्जामिनर। और कब कहां कैसे लगाओ तो शायद पूरे मिलते, वो मैं सारा कुछ आगे समझूंगा। दूसरी चीज नोट करो, मुगलों की सकाफत, जैसे हमें ट्रांसलेशन की आदत है ना, साउंड पे चलते हो, आपको याद होगा मैंने ओरिएंटेशन वाले दिन आपको एक सेंटेंस दिया था कि कल मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा, याद है आपको? ठीक है ना, आपको पता है कि जब मैंने वो सेंटेंस दिया था, जब मैंने वो सेंटेंस दिया था तो आप में से सबसे ज्यादा लोगों ने आई हैव बिन लिखा था, और मैंने उसकी रीजन बताई थी कि आपने आई हैव बिन क्यों लिखा, क्योंकि आप साउंड के ऊपर फोकस कर करता रहा हूं, प्रेजेंट साउंड दे, राइट? तो चूंकि ज्यादातर ना चाहते हुए भी आपकी जो साउंड पे जाएगी, तो जरा गौर करने एक चीज की, मुगलों की सकाफत, इल्म और अदब की सकाफत, आप दोनों की ट्रांसलेशन एक जैसी कर जाओगे, राइट? जबकि अगर इसको गौर से एनालाइज करो, इफ यू डीपली एनालाइज दीज टू सेंटेंसेस, मुगल इज ए ह्यूमन बीइंग एंड देयर कल्चर इज पॉसिबल, बट इल्म अदब इज नॉट ह्यूमन बीइंग, हाउ कैन दे हैव द कल्चर? इसका मतलब है ऐसे सेंटेंस को आपने रीथिंक करना है, रीथिंक करना है एंड रिकंस्ट्रक्ट करना है। यू गॉट माय पॉइंट? इसी तरीके से सिख सकाफत का भी यही मरकज था और अहले तसव्वुफ का भी यही मरकज था, सीम्स द सेम साउंड, बट डीप एनालिसिस वुड रिवील सिख और सकाफत की बात हो रही है। ठीक है जी, सिख कम्युनिटी है उसकी सकाफत की बात हो रही, जबकि अहले तसव्वुफ की सकाफत की बात नहीं हो रही, और अहले तसव्वुफ इज नॉट अ कम्युनिटी, इट्स एन इंडिविजुअल, एक बात हो। दूसरी चीज, अंग्रेजों के दौर में भी लाहौर का फैशन पूरे हिंदुस्तान में राइज होता था, क्या हमें पाकिस्तान के बाद भी सेम साउंड, अंग्रेजों के दौर में भी, क्या हमें पाकिस्तान के बाद भी? लेकिन अंग्रेजों के दौर में भी अगर इसको सेंटेंस में देखो तो ये अंग्रेजी के कानून के मुताबिक सेंटेंस का हिस्सा नहीं है, इट्स एन इंट्रोडक्टरी फ्रेज, असल जुमला है लाहौर का फैशन पूरे हिंदुस्तान में राइज, जबकि क्याम पाकिस्तान के बाद भी इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इट्स नॉट अ सेपरेट इंट्रोडक्टरी फ्रेज। बेटे कुछ कुछ समझ आ रही है मेरी बातें? मैं बहुत डीप रिलैक्स करके आपके हाथ पकड़ के चला रहा हूं आपको, ताकि आप फोकस कर सको, आपको एक कॉन्शियस रीडर और राइटर बना रहा हूं, समझ रहे हो इस बात? दैट्स ग्रेट, आई अप्रिशिएट दैट, आई अप्रिशिएट दैट। मेरे फॉर्मूलों की कदर करनी है, मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं समझा रहा हूं इसको याद रखना है, मैं कैसे आपकी उंगली पकड़ के आपको अलर्ट जरूर कर रहा हूं, ठीक है ना? इसको भूलना नहीं है, लकड़ी की टोकरी में नहीं फेंकना, कॉपी में लिख के नहीं रखना, इट विल मेक यू सक्सेसफुल। ठीक है, जब मैं पढ़ाता हूँ मैं पूरा अपनी हार्ट एंड सोल दे देता हूँ, एक ऑर्डिनरी टीचर की तरह नहीं पढ़ाता, ठीक है? मुझसे बड़े बड़े टीचर्स लाइक होंगे, बहुत ज्यादा एडवांस होंगे, बट द वे आई टीच नो वन कैन टीच लाइक दैट, दैट इज वॉट आई एम प्राउड ऑफ, मैं ये जरूर आपके दिमाग में चीजें अच्छी नहीं। सो अब इसका सारी आपको बात समझ आ गई। एक और चीज नोट, सिख सकाफत का भी, ये देखो लाहौर शहर सियासत की सकाफत है, अरूज जमाना इस शहर में आया, सिख सकाफत का भी यही मरकज था,
अदब का भी इसी शहर, अहले तसव्वुफ का भी यही मरकज, हाँ इसी शहर, रिपीट, इसी शहर, रेपिटेशन हो रहा है, रेपिटेशन। इसकी जल्दी में ट्रांसलेशन ही होगी क्योंकि प्रोनाउन रेफरेंस एरर का इशू आ सकता है। तो सबसे पहले आप समझ लो कि जब आपको ट्रांसलेशन करनी है तो मैं आता हूं सीधे सीधे फॉर्मूले पे और डायरेक्ट एप्लीकेशन। द फर्स्ट स्टेप इज रीड एंड सेंस द सेंटेंस इन द सेम लैंग्वेज। ये मैंने क्या लिखा, रीड एंड सेंस द सेंटेंस इन द सेम लैंग्वेज। क्यों मैंने लिखा, क्योंकि उर्दू में आप अगर उसको उसी सेंस में नहीं करोगे तो आप ट्रांसलेशन शुरू कर दोगे। व्हाट माय पॉइंट, इन द सेम लैंग्वेज। द सेकेंड इज, जब आपने उसको उसी लैंग्वेज में समझ लेना, इसका मतलब क्या, मैं आपको समझा भी देता हूँ। वो उर्दू में सुनो, एक सेंटेंस वो गया ऐसा गया कि बस गया ही गया। हैव यू हर्ड दिस सेंटेंस, मजाक मजाक में लोग बोलते हैं ना सर, वो गया ऐसा गया तो बस गया ही गया। आप इसको सेंस करो तो वो कह रहा है कि जब वो चला गया फिर वो वापस नहीं आया। दैट्स द सेंस, दैट्स द सेंस, सेंस कर लेना। जब सेंस करना है तो आपने उसको रिकंस्ट्रक्ट, रिकंस्ट्रक्ट द, ये देखो मैं क्या लिख रहा हूं, सेंस्ड सेंटेंस इन द सेम लैंग्वेज। लैंग्वेज Keeping in mind the English sentence construction, ये बात समझ लो, reconstruct the sense of the sentence, जो यहां पर आपने sense किया था ना उसको reconstruct करो, और उसके लिए क्या करो, English की sentence construction का formula समझो। इससे क्या मुराद है, पहले मुराद समझ लो फिर लिखना, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, आप ना लिखो, आप सिर्फ फोकस रखो समझते हैं, ठीक है ना। कोई इतनी ऐसी बात नहीं है इस पर लिख, जब तक मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं फिर आप सुने। देखो वो क्रिकेट खेलता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। आप, ये है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, और ये है और आखिर में आ रहा है, ठीक है। जब आप इसको ट्रांसलेट करते हो तो आप कहते हो ही प्लेज क्रिकेट, यानी सब्जेक्ट आ गया, फिर आ गया वर्ब, आ गया फिर आ गया वर्ब। अब कितनी छोटी सी बात है, बहुत सिंपल सी है। अब ये बातें ना आपको रटी हुई है, रटी हुई है आप सबको, मैं कोई बता रहा हूँ ना आपको, सबकॉन्शियस माइंड वुड भी सेइंग हाँ हाँ पता पता पता, व्हाट्स न्यू व्हाट्स न्यू व्हाट्स न्यू। Or what's new, कोई different new नहीं है, what's new is to reflect on things that I'm going to tell you. ये simple सा formula है, तो ये एक structure change हो गया। जब आपको long sentence लिखना पड़ेगा, complex sentence लिखना पड़ेगा, intricate sentence लिखना पड़ेगा, वहां पर ये जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, अगर आपको ये जेब ना रखी तो वो डैमेज करेगी सेंटेंस को। ये अभी होगा देखना, मैं अभी आपको सेंटेंस खोऊंगा, पहला सेंटेंस आप करेंगे, फॉर्मूला लिख के दूंगा, समझा दूंगा, आप कहेंगे जबरदस्त समझ आ गया, मैं कहूंगा पहला सेंटेंस ट्रांसलेट करो, आप देखना उसमें क्या गलती हुई, वो गलती मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। हालांकि मैं आपसे उर्दू के सेंटेंस छोटे छोटे करवाऊंगा तो वो सारे आप एज इट इज लिखो, लेकिन उस सेंटेंस पर गलती करोगे जो पैराग्राफ लिखा है। तो जब मैं ये कह रहा हूं कि रिकंस्ट्रक्ट द सेंटेंस इन द सेम लैंग्वेज, ठीक है, कीपिंग इन माइंड इंग्लिश कंस्ट्रक्शन फॉर्मूला, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे ही आपने दफा उर्दू को सेंटेंस कर लिया ना, आपने फॉरन इंग्लिश का फॉर्मूला जिन मिलाना, जैसे कि सुनो, द
जैसे मैंने कहा कि जब वो चला गया तो वापस नहीं आया, इसको मैंने रिकंस्ट्रक्शन करने से पहले इंग्लिश को सीखना है कि मुझे इंग्लिश का फॉर्मूला क्या होगा। भाई इंग्लिश में तो आता है पहले सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। जबकि मैं इस सेंटेंस को दो फॉर्म में बोलूं, जब वो चला गया एक पार्ट, फिर वो कभी नहीं आया दो पार्ट, मैं क्यों ना एक ही फिक्रे में लेके आऊं इसको, क्या मुमकिन है? आई वुड थिंक यस मुमकिन है। क्या वो हमेशा के लिए चला गया? अब जैसे ही मैं लिखूंगा वो हमेशा के लिए चला गया तो अप्लाइंग दिस फॉर्मूला वुड बी इजी, यस नो? वो हमेशा के लिए चला गया, ही वेंट फॉर एवर, ही हैड गॉन फॉर एवर, ही वेंट फॉर एवर, ही लेफ्ट फॉर एवर, तीनों का मतलब एक है। अप्लाई करना आसान हो गया कि नहीं हो गया? दैट इज व्हाई आई से कि। और जब इंग्लिश का फॉर्मूला जहन में रखेंगे उसके मुताबिक जब रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो आपने करना ये है, जो सेंटेंस स्ट्रेट है उनको भी, और जो सेंटेंस आप रिकंस्ट्रक्ट करें उनको भी आपने ट्रांसलेशन अंग्रेजी करने से पहले एनालिसिस करना है ऑफ द सेंटेंस। क्या मतलब? नंबर वन, सबसे पहले देखते हैं उसका टेंस क्या है, नंबर टू उसकी वॉइस क्या है, क्या वो एक्टिव वॉइस है या वो पैसिव वॉइस है। तीसरी चीज, फौरन जैसे ये दो चीजें डिटरमिन हो जाए तो आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फाइंड आउट। ये तीन स्टेप्स तो सबसे पहले, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसलिए जरूरी है कि जब आप सेंटेंस को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे हो सकता है जिसके ऊपर आपका गुमान हो कि ये सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो ही ना, सब्जेक्ट ही ना हो, ये भी नजर आ जाएगा। फिर आपने सबसे पहले देखना है आइडेंटिफाई ऑल डिफिकल्ट उर्दू वर्ड्स, ठीक है, सेंस देम इन द कॉन्टेक्स्ट एंड देन थिंक ऑफ एट लीस्ट थ्री इंग्लिश वर्ड्स फॉर दैट उर्दू वर्ड। आपने एक ही वर्ड का जो दिमाग में अंग्रेजी आ रही है वो नहीं अप्लाई करती प्रैक्टिस होती इंग्लिश इक्विवेलेंट, बिकॉज विच वर्ड वुड बी इन मोस्ट कंड्यूसिव एंड सुटेबल फॉर द कॉन्टेक्स्ट यू डोंट नो दैट एंड यू हैव टू प्लेस वन बाय वन विच वर्ड इज मोस्ट सुटेबल, यू हैव टेस्ट इट आउट, डोंट बी हेस्टी, ओवर स्मार्ट बनने की नहीं कोशिश, ये बात याद रखें। देन यू सी, अब चूंकि अंग्रेजी का फॉर्मूला दिमाग में चल रहा है तो देखो कंजंक्शन हुआ यूज कौन कौन सा है, फिर देखो फ्रेजेस यूज हुए हैं कि नहीं हुए, फिर देखो कि उसमें ईडियम को यूज हुआ है, एंड ईडियम के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ईडियम का मतलब यह है कि अगर आपको ईडियम आता है तो आप ईडियम, मैं नीचे वाला खत्म कर रहा हूँ समझाने के लिए कर रहा हूँ, ईडियम आता है तो स्टेडियम सोचो, ठीक है, उसका नरेशन क्या है, डायरेक्ट स्पीच में है, स्पीच उसकी चेक करो, लाजमी देता है, और आई उसमें नाउन्स कौन से इस्तेमाल, बिकॉज नाउन इज इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड विच आर्टिकल विल बी यूज, क्योंकि लोग ट्रांसलेशन में आर्टिकल्स की बहुत, ठीक है ना, ये एनालिसिस आपने करना है पहले, और पेपर जो उर्दू का वर्ड सेंटेंस बना उसी के ऊपर हाईलाइट करना है। फायदा क्या होगा, जैसे ही हाईलाइट करोगे इंग्लिश का फॉर्मूला तो याद है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना, आप कैसे उधर से वर्ड्स उठाने में पड़ते हैं, यू गॉट माय पॉइंट? आई बस समझ, ये है सिंपलेस्ट फॉर्मूला, सिंपलेस्ट, ठीक है। अब जैसे मैंने साथ एक दावा कर दिया कि ये फॉर्मूला तो बहुत आसान है, मैं करके दिखाऊंगा भी आप, लेकिन आप से पॉसिबल नहीं होगा इनिशियली, वो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं
कि आप चूंकि इसके ट्रेन नहीं है, दूसरा इसको करने से आप अभी देखना अलर्ट हो जाओगे कि हाँ हमें बड़े ध्यान से ट्रांसलेशन करनी है, हमें इसको कैजुअल अंदाज में नहीं करना। सो इफ इफ यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट, एक स्क्रीनशॉट देना जल्दी से। बी पॉइंट का मतलब है तमाम डिफिकल्ट वर्ड जहां जहां आ रहे हैं ना, उनको अंडरलाइन कर लो, फिर उनको उसी कॉन्टेक्स्ट में, उर्दू के कॉन्टेक्स्ट में, उनको अकेले, लोग उसको उर्दू अकेले में सोचते हैं, ठीक है ना, और वर्ड्स लगाने की कोशिश करते हैं। ये दोनों गलतियां करते हैं। आपने क्या पहले समझना है कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या, जैसे मैं अभी समझाऊंगा कॉन्टेक्स्ट में, फिर सोचना है कि उसके तीन वर्ड्स कौन से, एकदम ना लगा दो। जब आप सीख रहे हो तो ट्रांसलेशन में एकदम ना लगाओ, आपके पास दो तीन वर्ड्स होने चाहिए। मैं ये सारा कुछ सिखाऊंगा, देखना एक एक वर्ड सिखाऊंगा कि वर्ड कैसे देखते हैं, वर्ड कैसे सेंस करते हैं। ओके, सो हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? ले लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी से बताओ। ओके, अगर ये स्क्रीनशॉट ले लिया, फॉर्मूला आपको ये सामने रखना है, और पहला सेंटेंस, सिर्फ पहला ये वाला सेंटेंस, बस ये सेंटेंस मुझे ट्रांसलेट करके चाहिए, उसको भेजिए। हेलो, इतना भी गहराई से नहीं सोचना भाई, कहाँ पे हो? ओके, भेजते जाएं। यस, कीप फाइटिंग, कीप फाइटिंग।
मैं सबके जवाब पढ़ूं, आप लिखते जाएं, सबके जवाब मैं पढ़ूं, कीप राइटिंग। यार ये 44 स्टूडेंट्स बैठे हैं, प्लीज ऐसे ना करें, जल्दी करें, आपको वेस्ट कर रहे हो टाइम, ऐसे ना करो। इतना भी फिलोसॉफिकल सेंटेंस नहीं है, स्ट्रेट है। अजगा आप लिख रहे हो ओड अट्रैक्शन। अब बेटा देखो ये तो खुला खुला जुल्म है ना अपने साथ। अजगा उमर लाहौर सिटी इज इन ओल्ड अट्रैक्शन, ये है खुद साख्ता तर्जुमा। अभी मैंने आपको इतना टाइम देके, एक घंटा लेके पहले बेसिक समझाई है, राइट। आप मुझे ये बताओ किसी भी शक्ल से अट्रैक्शन यहां पर कहां से लफ्ज आ सकता है। अस्का आई एम टॉकिंग टू यू, आपने क्यों अट्रैक्शन लिखा? रियली दिस इरिटेट्स मी, बिकॉज मैंने एक मेहनत की है, मैंने वर्ड्स चबा चबा के बोले, रुक रुक के बोले, टहर टहर के बोले, आपको समझाया कि क्या होता है, क्या नहीं करना चाहिए। आप उसमें अट्रैक्शन जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है उस पर क्यों लगा दिया आपने? ये है एडवेंचरिज्म जिससे स्टूडेंट अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मार करता। अच्छा भला उसके चांसेस होते हैं पास होने के, लेकिन वो न जाने क्यों ऐसी है? हरकत करता है, गलत चीज करता है जो बनती भी नहीं है, जो उसको भी लग रहा होता है गलत है, फिर भी वो अपने आप को मुसीबत पे डाल देता है। सबके मैं पढ़ रहा हूं, आप प्लीज कीप राइटिंग। आई थिंक इट्स टू मच, काफी ज्यादा टाइम हो गया, आप तो बहुत टाइम ले रहे हो, मैं आप शुरू करने जा रहा हूँ। आई ऑलवेज एक्सपेक्ट कोऑपरेशन, बहुत टाइम दिया आपको, छोटे से सेंटेंस के लिए आपने बहुत टाइम। अब बिफोर आई टेल यू, उर्दू उर्दू का भी स्क्रीन शॉट ले लें जरा, उर्दू पूरे पैराग्राफ का स्क्रीन शॉट ले लें प्लीज, स्क्रीन शॉट लें ऊपर मुझे बताएं। अच्छा अब सबसे पहले मैं आपको बजाय इसकी ट्रांसलेशन लिखूं, आप अपने इसी चैट बॉक्स पे उसी तरीके से और तरतीब से तेजी से ट्रांसलेशन लिखें। मैं कल मैं एक तालिबे इल्म हूँ, लेकिन ट्रांसलेशन मैं एक तालिबे इल्म हूँ, मैंने चूंकि प्रैक्टिकल करवाना होता तो ऐसे नहीं कि मैं आपको बताता जो सेटिंग के लिए,
इसके पीछे मकसद होता है समझाना। लिखें, मैं एक तालिबे हूँ, सब लोग लिखें, नो बडी स्टॉप्स हियर, मैं एक तालिबे। ठीक हो गया, सब 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 लिखे सब। इस पे तो जल्दी मतलब वो कोई नहीं है, देर होने की कोई वजह। ओके, आई एक्सपेक्ट के ज्यादा आए, लेकिन अभी तक 15-20 को नहीं किया, आई एम सॉरी, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको पावर देना चाहिए। दूसरा लिखें, मैं एक जहीन तालिबे इल्म, मैं एक जहीन तालिबे इल्म। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अभी ये फॉर्मूला आपने स्क्रीनशॉट को ले लिया, मैं इसको रीड कर रहा हूं। ये भी आपने लिखा, आई एम ए स्टूडेंट, मैंने नहीं लिखा, आपने लिखा। ये भी आपने लिखा और बड़ी खूबसूरत अंदाज से आपके आई के बाद लिंकिंग वर्ब लगाया, उसके बाद स्टूडेंट आना है तो आर्टिकल ए लगाया, इंटेलिजेंट आना है तो आर्टिकल आपने एन लगाया, राइट? यानी आपको पता है। अब जरा याद करो कि मैंने जब कहा था कि वो क्रिकेट खेलता है, इसका फॉर्मूला लिखा था और फिर मैंने इसको इंग्लिश में लिखा था, ही प्लेज क्रिकेट। तो मैंने एक बात कही थी कि बज़ाहिर ये बड़ी सिंपल सी बात लगती है, यानी ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और लेकिन इस केस पे बदल जाती है चीज़, सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है। मैंने कहा था देखने में कितना सिंपल लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप उर्दू से ट्रांसलेशन करेंगे आप इतना पैसे सब कुछ बदल जाएगा। अब अपने ही सेंटेंस को चेक करो कि आई इज अ सब्जेक्ट, एन इज अ लिंकिंग वर्ब, ए और एन इज एन आर्टिकल, एंड देन कम्स द ऑब्जेक्ट। क्या इसी फॉर्मूले के मुताबिक आपने अपने सेंटेंस को ट्रांसलेट किया? बी ऑनेस्ट, लुक एट योर सेंटेंस। क्या आपके केस में लाहौर सिटी इज एज ए सब्जेक्ट आया, उसके साथ इज लिंकिंग वर्ब आया, उसके फौरन बाद एन एंशिएंट सेंटर आया? मैक्सिमम लोगों का नहीं आया, इज एन एंशिएंट सेंटर, इसको फॉलो ही नहीं की, बेसिक फॉर्मूले को ही नहीं फॉलो किया। इज एन एंशिएंट सेंटर या ओल्ड सेंटर, वॉट एवर जो भी आप लिखना चाहते हो, सॉरी यहां पे ओल्ड सेंटर जो भी आप लिखना चाहते हो, किसी ने नहीं लिखा, नहीं लिखा ना, इसका मतलब बेसिक को फॉर्म होगा। मैं वो मैंने ये प्रूव कर दिया आप कि आपका माइंड पहले ट्रेन हुआ होगा, और आप जिस तरीके से ट्रेन हुआ आप उसके तरीके से करेंगे, आप जल्दी करोगे, ये नहीं करना। ओल्ड सेंटर, अब आता है ऑफ, अब गौर से सुनो, सॉरी ऑफ, अब आएगा फ्रेज कंजक्शन, नॉट ओनली पॉलिटिक्स। अब मुझे आप इसे बताएं, किसने पॉलिटिकल लिखा, कल्चरल लिखा? क्या उसको नहीं पता कि पॉलिटिक्स नाउन है और पॉलिटिकल क्या चीज है? इसका मतलब है वो नहीं मेरे फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा, वो गौर नहीं कर रहा पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल में जमीन आसमान का। नॉट ओनली पॉलिटिक्स बट ऑल्सो कल्चर। अब जिसको इंग्लिश का फॉर्मूला पता है तो उसको पता है नॉट ओनली बट ऑल्सो कैसे आती है, ठीक है। मैक्सिमम लोगों ने नॉट ओनली को पहले लिखा, लाहौर इज सिटी इज एन इज नॉट ओनली, नॉट ओनली। अब उसका नुकसान ये हुआ कि नॉट ओनली एशियन सेंटर भी एक दफा लिखना पड़ा, ऑफ को भी बार बार रिपीट करना पड़ा, और दूसरी दफा जब बट ऑल्सो द सेंटर ऑफ, और दूसरी दफा सेंटर लिखा तो आर्टिकल भी कुछ और हो गया, और फिर ऑफ लिख लिया, ये रिडंडेंसीज पैदा। आप मेरी बात समझे हो, किसी ने एज वेल एज लिखा, क्योंकि फॉर्मूला एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर, नॉट ओनली बट ऑल्सो का डिफरेंस नहीं समझा रहा था, उसको जेन में नहीं आपने रखा था, पॉलिटिक्स और कल्चर को एज ए नाउन आइडेंटिफाई नहीं किया था आपने। अगर आपने उर्दू में की होती ये सारी चीजें तो इसके एटलीस्ट 90% चांसेस होते हैं कि ठीक लिखा। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, मैंने प्रूव कर दिया है कि ट्रांसलेशन को इतना आसान नहीं लेना, इतना हल्का नहीं लेना। आप लोग भी जब तक एक दफा गिरते नहीं हो ना, उस वक्त समझते नहीं हो,
अंडर एस्टिमेट ही करते रहते हो जब तक एक एक चोट लगती है, फिर उसके बाद हाँ, सही कह रहा हूँ कह रहा हूँ उस वक्त मान लो. व्हाट आई एम सेइंग इज कीप दैट थिंग इन माइंड. ठीक है, ओके चले. अब मैं इस पूरे पैसेज की ट्रांसलेशन, अब आपने करना क्या है, मैं ट्रांसलेशन आपको करवाऊंगा डायरेक्टली. मिस्टेक तो मिस्टेक होती है रूपा, एक अल्फाबेट की मिस्टेक, एक कॉमा की मिस्टेक की मीनिंग बदल जाती है. अभी आप अपने ही सेंटेंसेस की ना दोबारा ट्रांसलेशन करो, देखना ट्रांसलेशन बदल गई होगी. जो आप लोगों ने किया ना ट्रांसलेशन, हैं आप उसी को इंग्लिश, उस इंग्लिश की अब दोबारा उर्दू की ट्रांसलेशन, ठीक है, देखना आपकी ट्रांसलेशन डिफरेंट होगी. दिस इज आई चैलेंज, आप उसी इंग्लिश सेंटेंस की अब दोबारा से उर्दू ट्रांसलेशन अगर करोगे ना, उसकी उर्दू तर्जमा ही बदल जाएगा, देख लेना. यस, दैट इज व्हाट आई वाज. अच्छा जी, अब बड़े गौर से, अब आप अलर्ट मजीद हो जाए, बहुत गौर से देखना कि मैं लफ्जों को डी कोड कैसे करूं, डी कोड कैसे करूं, देन हाउ वुड आई अप्लाई द फॉर्म, और फिर मैं इंग्लिश बोलूंगा, वो आप इंग्लिश लिखें. ठीक है, पूरा तीन चीजें करनी है. एक तो फॉर्मूला सामने खोल कर रख लें, तीन शॉट ओपन कर लें, ठीक है, फिर नोटिस करो कि मैं उर्दू को कैसे अप्रोच कर रहा हूँ, डी कोड कर रहा हूँ, वर्ड्स के क्या डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, वो भी नोट कर लें. देन आई वुड मेक यू राइट द सेंटेंस. फिर चलें शुरू करूं. ओके, मुगलों की सकाफत ने अरूज का जमाना इस शहर में देखा. अब किसने देखा है, सकाफत ने देखा. लफ्जी तर्जमा तो आप ऐसे ही करोगे ना, मुगल कल्चर सॉ इट स्पीक, सॉ विटनेस इट स्पीक इन दिस सिटी. ये हो जाएगा आम सा, कमजोर सा, बेमानी किस्म का तर्जुमा. ठीक है, ये तर्जुमा कब करना है वो बाद में बता, तो पहले ये असल तर्जुमा. मुगलों की सकाफत ने अरूज का जमाना इस शहर में देखा से मुराद ये है कि सकाफत तो नहीं देख सकती, इसको रिकंस्ट्रक्ट कर, सकाफत की तो आंखें नहीं है. हाउ कैन सकाफत सी, हाउ कैन सकाफत विटनेस. ठीक है, इससे मुराद ये है कि मुगलों का जो कल्चर था ना, उसको अरूज इस शहर में मिला, या वो अपने अरूज पर इस शहर में पहुंचे. अरूज का मतलब क्या होता है, अरूज का मतलब यही होता है ना कि आपका कल्चर इतना पॉपुलर हो जाए, इतना पॉपुलर हो जाए कि हर कोई उस कल्चर में होने वाली एक्टिविटीज को फॉलो करे. एग्री विद दैट, एग्री विद दैट. अब आप सोचेंगे सर आपको कैसे पता चला, ये तो आप तर्जुमा कर रहे हैं. नहीं, नीचे जाके देखो आखिरी से. अंग्रेजों के दौर में भी लाहौर का फैशन पूरे हिंदुस्तान में राइज होता था. ये है कॉन्टेक्स्ट, हमेशा कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंस होगा. तो मुगलों की सकाफत ने रूज का जमाना इस शहर में देखा से मुराद कि मुगल जो सकाफत थी वो अपने इस शहर में अपने अरूज पर पहुंची, अरूज पर थी, अरूज पर पहुंची, अरूज पर थी, अरूज पर पहुंची. ठीक है जी, जब आपको यह समझ आ जाएगी कि मुगल सकाफत अपने अरूज पर पहुंची शहर में, तो आप पहुंची इज द साउंड ऑफ पास्ट इंडेफिनिट प्ले ऑफ टेंस इंडेफिनिट. पहुंची, पहुंची पास्ट इंडेफिनिट. अब आपको टेंस भी आने चाहिए. एक गलती मैं कर गया, मैंने मुझे आपसे पूछना चाहिए था टेंस क्या है, क्योंकि मैं नॉर्मली पूछता हूँ. ठीक है, अच्छा मुझे जरा ये बताओ, पहला जो सेंटेंस है वो कौन सा टेंस है, पहला सेंटेंस जो था वो कौन सा टेंस है. कौन सा प्रेजेंट, प्रेजेंट तो टाइम होता है भाई, प्रेजेंट तो टाइम होता है डेफिनेट. अच्छा निशान करें डेफिनेट, और बताते जाएं सिंपल, और सब लोगों का इतफाक है डेफिनेट. जिन लोगों को लगता है ना ये इंडेफिनेट टेंस है, ब्राय मेहरबानी वो अपनी इंग्लिश उर्दू को ठीक करें. ये सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इंडेफिनेट टेंस में एक्शन होता है. अच्छा जी, मारिया मीन आप कह रही हो कंटिन्यूस टेंस है. मारिया बहुत मेहनत करो मेरा बच्चा, पढ़ाई करो, उर्दू को समझो, टेंसेस को समझो. इट्स अ प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसमें आप इंफॉर्मेशन दे देते हो ना, खाली एक्शन ना हो वो सिंपल होता है. मैं तालिबे इल्म हूँ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं तालिबे इल्म था इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, एक प्रेजेंट में एक पास्ट में. ठीक है, मैं आता हूँ एक्शन बता रहे हो इंडेफिनेट टेंस ऑफ प्रेजेंट, मैं गया इंडेफिनेट टेंस ऑफ पास्ट, एक्शन बता रहा हूँ. ठीक है, उस एक्शन में मूवमेंट मुसलसल शामिल हो तो आप उसको कंटिन्यूस कहते हैं.
मैं आ रहा हूं कंटिन्यूस टेंस, मैं आ रहा था कंटिन्यूस टेंस, बात समझ। उसी कंटिन्यूटी में, उसी कंटिन्यूटी में अगर टाइम शामिल कर दो, मैं सुबह से आ रहा हूं तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं तो परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। आई बात समझ। हेलो बोलो बोलो जल्दी बोलो, टाइम नहीं जाया करो, बहुत कुछ करवाना हो। ओके, तो मुगलों की सकाफत में रूज का जमाना इस शहर में देखा से मुराद कि मुगल सकाफत जो थी इसी शहर में अपने रूज पर पहुंची, अपने रूज पे, ठीक है, पीक पे। तो इस चीज को जब जेहन में रखोगे तो इट बिकम्स पास्ट इंडेफिनिट, पहुंची, रीच्ड। कौन पहुंची? मुगल कल्चर सब्जेक्ट हो गया, मुगल कल्चर सब्जेक्ट हो गया, रीच्ड वर्ब हो गया, ठीक है, क्लाइमेक्स ऑब्जेक्ट हो गया अरूज। मुगल कल्चर रीच क्लाइमेक्स, मुगल कल्चर हो गया सब्जेक्ट, रीच्ड हो गया वर्ब, ठीक है, और क्लाइमेक्स हो गया ऑब्जेक्ट। कहाँ? इन दिस सिटी, एंड पे आ जाएगा इन दिस सिटी। मुगल कल्चर रीच क्लाइमेक्स, मैं दोबारा बोलता हूँ, पहला सुन लो। लाहौर सिटी इज एन एंशियंट सेंटर ऑफ नॉट ओनली पॉलिटिक्स बट आल्सो कल्चर। मुगल कल्चर रीच क्लाइमेक्स इन दिस सिटी। आ गया समझना आप? यहां तक क्लियर? मुझे आप एक गाइड करते जाना है कि आपको क्लियर भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। यू विल एंजॉय ट्रांसलेशन आज। फॉर्मूला सामने रखो, जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूं सुनते जाओगे तो एंजॉय करोगे ट्रांसलेशन। सिख सकाफत का भी यही मरकज था, ठीक। अब पहला फौरन क्या जिन में आता है? इट वॉज ऑल्सो द हब ऑफ सिख कल्चर। फौरन आपके दिमाग में यही आया। एंड इट इज नॉट बैड, बट देर इज अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कि वेन यू यूज इट, तो एक तो इट बार बार आपको लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा रिडंडेंट सा लगेगा, ट्रांसलेशन का इडियोमेटिक एक्सप्रेशन डैमेज हो जाए। रिडंडेंसी की वजह से इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन से क्या मुराद थी? इंग्लिश के कवायदो जवाबत को ऐसे लिखना, यूज करना कि लगे कि नेटिव राइटर ने लिखा है, ना लगे कि ट्रांसलेशन, मगर वो उर्दू की सेंस को कभी कॉम्प्रोमाइज भी ना होने दे। तो जब आप इट इट लिखोगे तो ऐसे लगेगा कि आप नेटिव नहीं हो। दूसरा इशू, इट मे रेज द इशू ऑफ प्रोनाउन रेफरेंस एरर। प्रोनाउन का इशू रेफरेंस हो सकता है कि आगे चल के फिर बार बार ये इसी शहर यूज होगा, उस वजह से प्रोनाउन रेफरेंस का हो सकता है। तो मैं क्या करूँ? सबसे पहले तो बताएं जी टेंस कौन सा है? सिख सकाफत का भी यही मरकज था, विच टेंस इट इज। अभी मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया था, आई होप कि याद होगा, भूला नहीं होगा। विच टेंस इट इज? सब लोग, एवरी वन ऑफ यू प्लीज लेट मी नो, आई एम नॉट वेटिंग फॉर वन पर्सन ओनली। यस, पास्ट सिंपल, दैट्स वंडरफुल, आई अप्रिशिएट दैट। नाउ आप समझ आ गई, माशाल्लाह, गुड 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 गुड। ये पास्ट सिंपल है, ये पास्ट सिंपल है। तो पास्ट सिंपल में वॉज आ गया था के लिए, मरकज के लिए आ गया सेंटर, राइट। अब ढूंढना है आपने सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें एक्टिव वाइज पैसिव वाइज तो होता नहीं है। तो जनाब सब्जेक्ट हुआ यही, यही के लिए इट मैंने मना किया। क्यों मना किया? रीजन मैं बता चुका हूं। तो हम लिखेंगे यही, किसको कह रहा है? शहर को कह रहा है, तो हम कहेंगे द वेरी सिटी या द सेम सिटी। देखिए द सेम सिटी, द सेम सिटी, क्योंकि जब प्रोनाउन रेफरेंस एरर का इशू हो कोशिश करते हैं नाउन यूज कर देते हैं द सेम। अच्छा, हम नाउन में भी डायरेक्ट हम लाहौर शहर नहीं यूज कर सकते, हम ये लिखेंगे द सेम सिटी, सब्जेक्ट हो गया, वॉज लिंकिंग वर्ब हो गया, ऑल्सो अब लिखें हब। द सेम सिटी वॉज ऑल्सो दी हब ऑफ सिख कल्चर। द सेम सिटी वॉज ऑल्सो दी हब ऑफ सिख कल्चर। अब यहां पर दी क्यों लगाया? क्योंकि हम ऑलरेडी शहर की बात कर रहे हैं और अब हम उसी की तरफ जब पॉइंट आउट करेंगे तो अब वो पर्टिकुलर हो गया, ठीक है, अब वो पर्टिकुलर हो गया क्योंकि अब हम एक स्पेसिफिक सिचुएशन में उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। हब क्यों लगाया? पहले सेंटर लगाया, अब आपने हब लगाना है, फिर अगर लगाना पड़े फिर सेंटर आ जाएगा, फिर आप आ जाएगा, रिप्लेस करते रहना ताकि रिडंडेंसी ना पैदा हो। सो द सेम सिटी वाज आल्सो द हब ऑफ सिख कल्चर। नेक्स्ट सेंटेंस इज अ सेंटेंस जिसको शायद दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर,
इल्मो अदब की सकाफत भी इस शहर के हिस्से में आई। अब आप पूछो या सोच रहे होगे कि सर को कैसे पता चल रहा है कि रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। भाई सिंपल, मैंने अभी फॉर्मूला बताया कि मुगलों की सकाफत क्या देख सकती है, आप देखा नहीं, बस मुझे समझ आ गई कि इसको मुझे रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। इसी तरह जब वो कह रहे हैं इल्मो अदब की सकाफत भी इस शहर के हिस्से में आई, तो हिस्सा कोई बांट रहा था बताएं, कोई हिस्सा बांट रहा था, तकसीम कर रहा था, सकाफत बांटी जाती है, नहीं था। That's it. That gives you the clue that the sentence needs to be reconstructed. ठीक है जी। अब हमें इसको पहले तो समझना पड़ेगा, tense कौन सा है? Past indefinite. Tense कौन सा है? Past indefinite. ठीक है, जैसे मैं गया, मैं मिला, मैंने पूछा, past indefinite. एक ही दफा एक्शन वाला। अच्छा, अब इल्मो अदब की सकाफत भी शहर के हिस्से में आई से क्या मुराद है? Means कि यही वो शहर है जिसको ये, पहले क्या करना होता है, पहले हमने सेंस करना होता है, तो सेंस कर रहा हूं, फिर रिकंस्ट्रक्ट करना होता है, राइट है, याद है ना। तो मींस कि यही वो शहर है जिसको ये भी एजाज हासिल है कि यहां पर इल्मो अदब की एक्टिविटीज शुरू हुई। यस नो, यही वो शहर है जिसको ये भी एजाज हासिल है कि वहां पर इल्मो अदब। अब अगर गौर करो, एक चीज तो समझ आ गई शुरू ही, ठीक है। अच्छा, अब जो शुरू हुई वो क्या है? इल्मो अदब की एक्टिविटी है, सकाफत नहीं, उसकी सकाफत इससे में आई से क्या मुराद है? आप खुद बताओ। आप बताओ फिजा, हिस्से में आई से क्या मुराद होता है? अब यहां पे कॉन्टेक्स्ट पे समझो, हिस्से में बायस को हिस्सा दे रहा है। हेलो, जल्दी जल्दी बात करो ना, टाइम जाया नहीं करना। हिस्से से क्या मुराद होती है? बायस से तो नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब जब बायस से नहीं आ रहा, सकाफत क्या होती है? सकाफत कहते हैं एक्टिविटीज विच पीपल ऑफ अ कम्युनिटी और वन कम्युनिटी डू इट टुगेदर ऑटोमेटिकली विदाउट नोइंग द नीड ऑफ दैट और लेजिटिमेसी ऑफ दैट। दे डोंट क्वेश्चन इट बिकॉज दे हैव सीन देयर फोर फादर्स डूइंग दैट। उन्होंने अपने पेरेंट्स को करते देखा, वो कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं करते। ऑटोमेटिक बिहेवियर, जैसे आपका ऑटोमेटिक बिहेवियर क्या कहलाता है? आदत। सोसाइटी का ऑटोमेटिक बिहेवियर क्या कहलाता है? कल्चर। उसमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा है? इल्मो अदब की सकाफत, तो सकाफत बांटी तो नहीं जाती, राइट। इसका मतलब है कि इस हिस्से में आने से मुराद, हिस्से में, शहर के हिस्से में आने से मुराद है कि गौर करो ना, यही वो शहर है उसके पास ये टाइम एक ऐसा आया कि यहां पर ये एक्टिविटी शुरू हुई, ठीक हो गया। अच्छा, आगे देखो, शुरू हो गया। अब आते हैं जी इल्मो अदब की सकाफत से क्या मुराद होती है? सकाफत तो एक्टिविटी इल्मो अदब की नहीं हो सकती। इल्मो अदब इटसेल्फ एक एक्टिविटी है। तो जब हम इल्मो अदब इटसेल्फ एक एक्टिविटी है, जब उसके साथ सकाफत का लफ्ज लगाते हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये सकाफत के अंदर कितनी एक्टिविटीज होती है। कुछ एक्टिविटीज को हम कहते हैं नॉर्म्स, कुछ को कहते हैं कस्टम्स, कुछ को कहते हैं ट्रेडिशंस। तो चूंकि इल्मो अदब ही एक एक्टिविटी है, तो जब वो कह रहे इल्मो अदब की सकाफत, तो इससे मुराद होगा कि हमें देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी है। हमें देखना पड़ेगा कि कस्टम्स हैं, नॉर्म्स हैं, या ट्रेडिशन। अब आपका सेंस क्या कहता है? आपको क्या लगता है कि ये क्या होनी चाहिए? कस्टम्स होनी चाहिए, नॉर्म्स होनी चाहिए, ट्रेडिशन होनी चाहिए? आपका सेंस क्या कहता है? अगर हम इल्मो अदब के साथ सकाफत का लफ्ज लगाएं, तो सकाफत के लिए हमें क्या लफ्ज इन एक्टिविटीज का, क्योंकि इटसेल्फ इल्मो अदब एक एक्टिविटी, विच वर्ड इज सूटेबल? ट्रेडिशन, यस। क्योंकि जो चीज इनिशिएट होती है, इनोवेटिव होती है, नई होती है, उसको ट्रेडिशन कहते हैं। यू गॉट माय पॉइंट? ये थोड़ा ना सेंसिबिलिटी का काम, थोड़ा सा चीजों को सेंस करना पड़ता है।
चलूं आगे। ओके okay. क्या कह रहे हो? वो और चीज होती है, वॉल्यूम चीज होती है जो सेट करती है। देखो ठीक है, फिर कस्टमर नॉर्म कर भी क्लियर कर दें। कहते देखो जब आप एक्टिविटीज है ना, नॉर्म समझ लो, वो एक्टिविटीज होती है जो बेसिकली अन अन किस्म अन रिटन रूल्स हैं, रूल्स नहीं है, ठीक है जी। और वो किसी भी सोसाइटी के बिहेवियर को गवर्न करें, राइट। मिसाल के तौर पर पब्लिक में पोलाइटली स्पीक, बोल नॉर्मल बोलना, कई लोगों में पब्लिक में ऊंचा बोलते हैं, ड्रेस अप खास किस्म, ये नॉर्म्स। कस्टम्स ये होते हैं कि जो एस्टेब्लिश्ड किस्म के, एक्सेप्टेड किस्म की जो बिहेवियर्स होंगे लॉन्ग टाइम से, ठीक है, वो जरा फॉर्मलाइज्ड अंदाज में होंगे, उसको हम कहेंगे कस्टम्स। जैसे कि आपका क्रिसमस है, आपकी आपकी इंडिया में चले जाएं दिवाली है, रिचुअल्स होते हैं ना ये, और जो कस्टम्स होते हैं वो वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करते हैं। जो ट्रेडिशंस होती है ना, ये बेसिकली होता ही है कि जिनकी एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बन जाए, डिफरेंट प्रैक्टिसेस जिनकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बन जाए, जो इनोवेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, नए किस्म के इनोवेशन लेके आ सकते हैं, ये इवॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, समझागी, ये इवॉल्व हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप मुझे बताएं कि ट्रेडिशन एजुकेशन वाला जो निज़ाम है, अब आपका निज़ाम को ख़त्म कर सकते हैं इसको? आपके कल्चर में कई चीज़ें चेंज हो गई हैं, एजुकेशन के निज़ाम को कोई बदल सकता है? मतलब उसको ख़त्म कर दे के होना ही नहीं है, आप सारे खड़े हो जाओगे, दैट्स कॉल्ड ट्रेडिशन, ठीक है जी। तो अच्छा, अब आते हैं इसको तर्जमे की तरफ। इल्मो अदब की सकावत भी शहर के हिस्से में आई का मतलब ये है कि इल्मो अदब एज ए ट्रेडिशन यहाँ पर शुरू हुआ, और इसके दो तर्जमे कर सकते हैं, मैं दोनों तर्जमे लिखवाता हूँ, लेकिन पहले इल्मो अदब समझो। अब इल्मो अदब यार, इल्म आपके जिम्मे आएगा नॉलेज, अदब आपके जिम्मे आएगा लिटरेचर, दोनों ही नहीं सही। जब हम एक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो इल्मी एक्टिविटी और अदबी एक्टिविटी से मुराद ये इल्म होगा एजुकेशनल, क्योंकि ट्रेडिशन के साथ मिलाना है ना लफ्ज, अदब होगा लिटरेरी, ठीक है जी। सो एजुकेशनल एंड लिटरेरी ट्रेडिशन, रिफॉर्म और चीज होता है, एजुकेशनल एंड लिटरेरी ट्रेडिशन ये लफ्ज होगा, एजुकेशनल एंड लिटरेरी ट्रेडिशन, क्योंकि सकाफत को हमने ट्रेडिशन एस्टेब्लिश कर लिया ना पहले, सकाफत क्या है, कल्चर तो नहीं हो सकता, हमने पहले एस्टेब्लिश किया सकाफत क्या चीज होती है इस कॉन्टेक्स्ट में, समझ आ गई, ये ट्रेडिशन होती है। अब उसके साथ जब हमें इल्म अदब जाना है तो लिटरेचर और नॉलेज ट्रेडिशन ही जानना, एजुकेशनल और लिटरेरी ट्रेडिशन बनता है कि नहीं बनता, ठीक है। जब ये जिन रखोगे तो आप इसका तर्जमा एक बनेगा, लिखे द वेरी सिटी, पहले सेम सिटी लिखा था, देखो द वेरी सिटी, इस शहर इसी शहर का सब्जेक्ट ये बनेगा, द वेरी सिटी ऑल्सो विटनेस्ड, द वेरी सिटी ऑल्सो विटनेस्ड द एजुकेशनल एंड लिटरेरी ट्रेडिशंस हियर, ठीक है। और इसका दूसरा तर्क होता है द वेरी सिटी ऑल्सो इनिशिएटेड द एजुकेशनल एंड लिटरेरी ट्रेडिशंस हियर, ठीक है जी, आई बात समझ। अब वेरी सिटी क्यों हमने लिखा था, पहले द सेम सिटी लिख चुके थे, रिडंडेंट नहीं होने देना था। हेलो बेटे रिस्पॉन्ड करो ना, द वेरी सिटी ऑल्सो विटनेस्ड द एजुकेशनल एंड लिटरेरी ट्रेडिशन हियर। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट, अहले तसव्वुफ का भी यही मरकज था, पीछे लिखा हुआ था सिख सकाफत का भी यही मरकज था, लेकिन वो थी सिखों की सकाफत, यानी पूरी कम्युनिटी की प्रैक्टिस की बात हो,
यहां पे अहले तसव्वुफ की सकाफत की बात नहीं हो रही, और अहले तसव्वुफ से मुराद कोई कम्युनिटी नहीं है। अहले तसव्वुफ को पहले डाइसेक्ट करो। अहल कहते हैं द वन हू प्रैक्टिस, हू बिलीव्स, हू एक्सेप्ट समथिंग एज ए प्रैक्टिस, ठीक है। तसव्वुफ कहते हैं मिस्टिसिज्म, स्पिरिचुअलिज्म, मिस्टिसिज्म। अहले तसव्वुफ का मतलब हुआ गया कि ऐसा फर्द, द वन हू बिलीव्स इन मिस्टिसिज्म, द वन हू बिलीव्स इन मिस्टिसिज्म इज नोन एज मिस्टिक, इज नोन एज मिस्टिक। देख लो मैंने आपको डाइसेक्ट करके बता दिया, ठीक हो गया। अब वो ये कह रहा है कि मिस्टिक्स, अब एक पूरे वर्ड का तर्जुमा हो गया मिस्टिक्स, तो मिस्टिक्स का भी यही मतलब था, क्या मतलब क्या हुआ कि मिस्टिक, इसका मतलब यह है कि वो ऐसे कम्युनिटी शहर में नहीं रह रहा, और वो एक नहीं है, हजारों लाखों होंगे और मुख्तलिफ जगहों पे फैले होंगे। कोई इधर है, कोई लाहौर में है, कोई कराची में है, कोई सिंध में है, कोई हैदराबाद में है, कोई पेशावर में है, कोई इंडिया में है, कोई अमेरिका में है, कोई कहीं ना कहीं, और जहां भी है उनके लिए लाहौर एक सेंट्रल पॉइंट है। वो जहां भी होते हैं वो यहीं आके रुकते हैं, यहीं ठहरते हैं, यहीं क्याम करते हैं, यहीं बस जाते हैं। ये मतलब बनेगा इसका, यानी जहां जहां मिस्टिक्स थे एक किस्म का उनके लिए भी ये सेंट्रल पॉइंट है, मरकज पॉइंट है, वो यहां पे ठहरते हैं। अब इसके दो तर्जमे हो सकते हैं, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के मुताबिक होगा मिस्टिक्स ऑल्सो सेंटर्ड हियर, मिस्टिक्स ऑल्सो सेंटर्ड हियर, CENTERED पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से किया। और अगर आप ये तर्जुमा नहीं करते हो, 100% इडियोमेटिक नहीं करते हो, तो आप ये कह सकते हो दिस सिटी वॉज ऑल्सो द हब फॉर मिस्टिक्स, दिस सिटी वॉज ऑल्सो द हब फॉर मिस्टिक्स। अब यहां पर ऑफ नहीं कहा, फॉर क्यों कहा, क्योंकि ये दूसरे लोगों के लिए एक अट्रैक्टिव प्लेस है, सेंट्रल प्लेस है। ऑफ तब होता जब दे बिलोंग टू दिस, दे डू नॉट बिलोंग टू दिस, व्हेन दे डू नॉट बिलोंग टू दिस तो फिर उनका नहीं है, दे कम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, दे बिलोंग टू अनदर प्लेस। तो या तो लिखो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन मिस्टिक्स ऑल्सो सेंटर्ड हियर, या दूसरा लिखो दिस वॉज ऑल्सो, दिस सिटी वॉज ऑल्सो द हब फॉर मिस्टिक्स। Is that clear? चले आगे। ओके, अब लॉन्ग सेंटेंस आ रहा है। तसव्वुफ की मशहूर किताब कशफुल माजूब के मुसन्निफ हजरत अली अजबेरी अल मशहूर हजरत दाता गंज बख्श पीस शहर में मतलब। अ वेरी लॉन्ग सेंटेंस, अब ट्रिक सीखो, समझो कि लॉन्ग सेंटेंस को कैसे हम डिवाइड करेंगे। अगेन वही फॉर्मूला, पहले चेक करो टेंस कौन सा, इट्स ए प्रेजेंट टेंस। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, अच्छा जी प्रेजेंट टेंस है, एक ही ने जवाब दिया, बाकी सबने जवाब ही नहीं दिया यार, माशाल्लाह। सिंपल प्रेजेंट है, फिर गौर करो, फिर गौर करो, इज इट अ सिंपल प्रेजेंट, ओके प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके सिंपल पास्ट, आयशा व्हाट आर यू सेइंग, आर यू प्रेजेंट मेंटली हियर, How can be it past? मदगून है, आ के लिए बेटे ऐसे तो ना, मैंने उनके लिए पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके
मदफून है ना अभी है ना, बंदा अभी भी दफन है, उसको कोई निकाल के तो नहीं ले गया ना, माजी का किस्सा तो नहीं बताया था ना। सो टेंस आप कह रहे हो ये प्रेजेंट सिंपल है, ओके ओके। लेकिन अब इसकी जरा कंस्ट्रक्शन पे गौर करो, फोन है ठीक है, आप इसकी अगर कहें वो इधर दफन है, वो इधर दफन है, इसको कैसे लिखोगे? वो इधर दफन है, इसको कैसे लिखोगे? वो इधर दफन है, अपनी कॉपियों पे भी लिखो, इधर भी लिखता हूं, इज बरेड, इज बरेड, बरेड सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, ये वर्ब है ना। है ना, ये बताओ मुझे ये कौन सी कंस्ट्रक्शन है? प्रेजेंट परफेक्ट कैसे हो गया भाई, क्या कर रहे हो बच्चे? अच्छा पैसिव कंस्ट्रक्शन है, ये पैसिव कंस्ट्रक्शन, गुड, अब समझ आइए। देखो ही इज बरिड इज ए पैसिव कंस्ट्रक्शन, ये डेफिनेटली पैसिव कंस्ट्रक्शन, यस, ये पैसिव कंस्ट्रक्शन है मुबशर, ठीक है ना। बरिड बंदा खुद होता है? नहीं, उसको करते हैं ना बंदा, तो जब किसी चीज के ऊपर काम हो तो उसको हम पैसिवाइज कहते हैं, वो उससे खुद काम नहीं किया, वो बंदा दफन खुद नहीं हो, उसको दफन किया गया ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट की कंस्ट्रक्शन लगेगी पैसिव की, ठीक है जी, ओके। अच्छा अब आपने लिखें पेपर के ऊपर, जैसे मैं बता दूं ना वैसे करना, आप लिखें ही इज बरिड, ये बेसिक कंस्ट्रक्शन लिखें, लिखें ही इज बरिड, बस इतना लिखें, ही इज बरिड। अब याद रखना जब लंबी कंस्ट्रक्शन आए तो पहले टेंस आइडेंटिफाई करके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फाइंड आउट करके बेसिक कंस्ट्रक्शन तैयार करते हैं और बाद में खाना पूरी करते हैं, रफ पेज पे करते हैं। जब रफ पेज पे खाना पूरी कर लें, कंप्लीट सेंटेंस की एक्यूरेसी का जो है वो यकीन हो जाए, फिर उसको पेपर पे लिखना है। अब देखना मैं खाना पूरी कैसे करता हूँ, ई के पैरेलल नीचे आ जाएं और अब हम इसका सब्जेक्ट लिखेंगे, यहां पर सब्जेक्ट लिखते जाना। तसव्वुफ की मशहूर किताब, किताब तो नहीं हो सकती, कशफुल मजूब किताब का नाम, के मुसन्निफ, हाँ मुसन्निफ हो सकता है, मुसन्निफ हो सकता है, हजरत अली हजवेरी ये उनका नाम है, तो लिहाजा हमें देखना पड़ेगा स्ट्रेस पहले किस पे डाला था, वो डाला था मुसन्निफ पे, यस मुसन्निफ पे। तो हम क्या लिखेंगे? द ऑथर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? द ऑथर, ई की जगह क्या आएगा? द ऑथर। लेकिन अभी सब्जेक्ट कंप्लीट ही हुआ, इस ऑथर का पूरा तारुफ दिया गया है, तो ऑथर बताया गया वो किसका है, ही ऑथर ऑफ, ऑथर ऑफ है, लिखा पढ़ लिखना लिखना चाहिए, किसका है? मशहूर किताब का। अब मशहूर के साथ देखो आर्टिकल कुछ नहीं लगा हुआ उर्दू में, देखा उर्दू की कंस्ट्रक्शन, तसव्वुफ की मशहूर किताब, कहा है कि तसव्वुफ की एक मशहूर किताब ना, उसने कहा तसव्वुफ की मशहूर किताब, ये उर्दू की कंस्ट्रक्शन। अंग्रेजी कहती है कि आप इसमें अंग्रेजी का आर्टिकल ए लगाओ, दी ऑथर ऑफ ए फेमस बुक, ऑथर ऑफ फेमस बुक नहीं लिखना, ऑथर ऑफ अ फेमस बुक, बिकॉज इट इज द डिमांड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, दी ऑथर ऑफ ए फेमस बुक। अभी भी सब्जेक्ट ही खत्म ही हुआ क्योंकि उससे बड़ा लंबा चौड़ा तालब लिया,
The author of a famous book, book क्या है? Book के बारे में बता दिया उसने कि वो तसव्वुफ की है. तो तसव्वुफ की जब लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? The author of a famous book of mysticism, yes or no? The author of a famous book of mysticism, yes? Please. ठीक है, तो गलत है ये, गलत है ये. The author of a famous book on mysticism. On mysticism. Author of a famous book on mysticism. And ये आप उर्दू ट्रांसलेशन है कि मैडम ने सिखा दिया था बचपन में, कहा कि ये ऑफ आता है. अंग्रेजी में इसी टॉपिक पर ऐसे लिखा जाता है, बुक लिखी जाती है, फिल्म बनाई जाती है. कहती हो ना एसे ऑन क्लाइमेट चेंज, एसे ऑन डेमोक्रेसी, बोलते हो कि नहीं बोलते? यस. तो आप आएगा द ऑथर ऑफ ए फेमस बुक ऑन मिस्टिसिज्म. अब गौर से सुनना मेरी बात, गौर से सुनना. द ऑथर ऑफ ए फेमस बुक ऑन मिस्टिसिज्म अभी तक ही खत्म नहीं हुआ, ही के नीचे चल रहा है ये सारा कुछ. आगे बुक का नाम बताया, कशफुल मजूब. तो जब अंग्रेजी ये कहती है कि जब किसी बुक का नाम, किसी शख्स का नाम, किसी टाइटल का नाम, किसी भी शख्स का टाइटल, बुक का टाइटल, फिल्म का टाइटल है, उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमास. तो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के लिखो कशफ, के ए एस एच. पहले तो के ए एस एच लिखो, उसमें के कैपिटल होना चाहिए, के ए एस एच एफ, इस पे के कैपिटल होना चाहिए. अब हाइफन डालो, छोटी सी डैश होती है, फिर उल लिखो, यू एल, फिर डैश डालो छोटी सी हाइफन, और फिर माजूब लिखो, एम कैपिटल लिखो, एम ए जे डबल ओ बी, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दो. द ऑथर ऑफ ए फेमस बुक ऑन मिस्टिसिज्म, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ गया कशफुल माजूब. अब नीचे कॉमा लगाओ, क्यों लगाओ मैं बताता हूं. कॉमा लगा के आपने नाम लिखना है हजरत अली अजमेरी अल मशहूर बख्शा. क्यों बोला? इंग्लिश की कंस्ट्रक्शन के मुताबिक जिस चीज के बगैर सेंटेंस की बात समझ आ जाए, सेंटेंस मेक सेंस, यानी अगर मैं ये बोलूं तसव्वुफ की मशहूर किताब कशफुल मजूब, आ जाती कि नहीं आ जाती? हाँ जी आ जाती है ना. तो इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेजी का कानून ये कहता है, अंग्रेजी कंस्ट्रक्शन का लॉ कहता है कि भाई ये जो हजरत अली अजमेरी है ना, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसको कॉमा में प्लेस करो. आप कॉमा लगा के लिखोगे हजरत, हमेशा नाम का पहला अल्फाबेट कैपिटल आता है, एच कैपिटल होगा, हजरत अली हजवेरी, एच ए जे वी ए आई आर आई हजवेरी, और अल मशहूर के लिए एलियस, ए एल आई ए एस, एलियस ए एल आई ए एस, एलियस हजरत. फिर उसके बाद लिखो दाता का डी बड़ा लिख दो, ए डबल टी ए दाता, गंज के लिए जी बड़ा लिख दो, यू एन जे, और बख्श के लिए बी बड़ा लिख दो और यू एक्स लगा दो, और अब कॉमा नीचे बंद कर, ये होगी नॉन एसेंशियल. अब आएगी जगह उसकी जिसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब इज, इज बरिड की जगह आप एनश्राइंड लिख लो, एनश्राइंड, ई एन एस एच आर आई एन ई डी, एनश्राइंड हियर एज वेल. तो आप मुझे ये बताइएगा, मुझे बताइएगा कि क्या आप लोगों ने ऐसे लिखा जैसे मैं लिखने लगूं? द ऑथर ऑफ ए फेमस बुक ऑन मिस्टिसिज्म कशफुल माजूद हजरत अली हजवेरी एलियस हजरत दाता गंज बख्श इज ऑल्सो इज इन शाइन हियर. Did you write like this? Did you write like this? Yes.
आपको जनरली अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आपको ये बड़ी गहरी नजर रखी है कि आपको समझ आ गया कि एक ही सिंगल सेंटेंस पर कितना लेसन इन्वर्टेड कॉमा का आपको पता चल गया कहाँ लगता है राइट आपको ये पता चल गया कॉमा कहाँ लगता है कौन सी चीज कहाँ पर आएगी एवरीथिंग इम्पोर्टेंट आर्टिकल का पता चल गया बुक के ऊपर प्रपोजिशन के बारे में पता चल गया कहाँ ऑन होना चाहिए सो यू हैव गॉट मेनी लेसन इट इज ओनली व्हेन यू कीप योर माइंड एंड आईज ओपन ओके इंटरेस्टिंग है एंजॉय कर रहे हो ट्रांसलेशन को सब लोग अब एक और सेंटेंस रेजों के दौर में भी लाहौर का फैशन पूरे हिंदुस्तान में राइज होता था क्या हमें पाकिस्तान के बाद इस शहर की उम्मीद कम नहीं हुई दोनों में शुरू की साउंड एक जैसी आती है अंग्रेजों के दौर में भी क्या पाकिस्तान के बाद भी साउंड बट इन द फर्स्ट सेंटेंस आई टोल्ड यू कि वो इंट्रोडक्टरी फ्रेज है सेंटेंस का हिस्सा डायरेक्टली कैसे और करो अंग्रेजों के दौर में भी उसके बाद जुमला आता है लाहौर का फैशन हिंदुस्तान के राइज होता है यह है पूरा जुमला ठीक है अंग्रेजों के दौर में ये तो दौर की तरफ इशारा किया असल जुमला तो ये है कि लाहौर का फैशन राइज होता है तो हम जो इंग्लिश है वो ये कहती है कि इंट्रोडक्टरी फ्रेज के बाद कॉमा आना चाहिए और वो शुरू में आता है चूंकि इंट्रोडक्टरी फ्रेज है पॉइंट कर रहे हैं इशारा कर रहे हैं तो लिखें इवन इन द ब्रिटिश इरा या इवन ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज दोनों में से कोई लिख सकते हो इवन इन द ब्रिटिश इरा इवन ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज इवन ड्यूरिंग द ब्रिटिश इरा भी लिख सकते हो कॉमा जूम कॉमा लगा के जरा रुक जाओ और जुमले पे वो इवन इन द ब्रिटिश इरा या इवन ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज जो भी है ना लिखने के बाद कॉमा लगा और रुक जाओ सबसे पहले जुमले को समझो लाहौर का फैशन पूरे हिंदुस्तान में राइज होता था से क्या मुराद है कोई इंप्लीमेंट करता था कोई गवर्नमेंट थी कोई अथॉरिटी थी जो उसको एग्जीक्यूट करवाती थी प्रोमुलोगेट करवाती थी कि भाई ये करो नहीं ऐसा नहीं हो सकता इट्स नॉट लाइक दैट तो इसका मतलब है दिस सेंटेंस हैज टू बी सेंस्ड फर्स्ट एंड देन रिकंस्ट्रक्टेड यहां पर फैशन पे राइज होने से मुराद ये है कि लाहौर अच्छा लाहौर का फैशन फिर नाम भी नहीं लिया किसी फैशन का खास ठीक है ना लाहौर का फैशन भी कोई नाम नहीं लिया कि ये वाला फैशन लाहौर का कोई खास फैशन था अगर था तो उसका नाम लेते नहीं है ना तो इसका मतलब है कि लाहौर के अंदर एनीथिंग जो भी होती थी दैट यूज्ड टू बिकम ए काइंड ऑफ फैशन फॉर एवर उसको हर कोई फॉलो करता ऐसे फैशन को हम ट्रेंड कहते हैं एक सेकंड होल्ड कीजिएगा इसको कहते हैं जो फैशन हो और उसको सारे फॉलो करने लग पड़े उसको ट्रेंड कहते हैं तो यहां पे लाहौर के फैशन से मुराद एक ट्रेंड है और लाहौर एज ए ट्रेंड सेटर है लाहौर का फैशन से मुराद लाहौर इटसेल्फ ट्रेंड सेटर है ठीक है समझ आ गई कोई अलग सी एक्टिविटी नहीं है उसका नाम नहीं लिया गया लाहौर का फैशन से मुराद एनीथिंग इन लाहौर वो लोग उसको फॉलो करते थे मींस लाहौर क्या हुआ लाहौर ट्रेंड सेटर अच्छा राइज होता था ये कंटिन्यूटी को शो करता है कंटिन्यूटी को शो करता है तो हम कंटिन्यूटी में जाएं तो कंटिन्यूटी दौर में हो रही है तो दौर लॉन्ग टाइम में जब कंटिन्यूटी होती है तो उसको परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं देखो ना मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं आई एम वेटिंग फॉर यू ठीक है मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू होगा कि नहीं होगा अच्छा मैं कल तुम्हारा इंतजार कर रहा था आई वॉज वेटिंग फॉर यू यस्टरडे मैं सारा दिन इंतजार करता रहा हूं आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू ठीक है तो ये लॉन्ग टाइम एक्टिविटी है दौर के अंदर है तो हम यहां पर हैड बीन लगाएंगे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट का परफेक्ट और लाहौर क्या होगा एज ए ट्रेंड सेटर अब इसको कैसे लिखेंगे इवन इन द ब्रिटिश इरा कॉमा लाहौर हैड बीन द ट्रेंड सेटर For the entire Hindustan, Lahore had been the trendsetter for the entire Hindustan. ठीक
ठीक है जी। और आम लिखना चाहे तो बंदा ये लिख सकता है, इवन इन द ब्रिटिश एरा लाहौर फैशन वाज फॉलोड, ठीक है, वाज वेरी पॉपुलर एंड फॉलोड बाय कह लो जी दी फॉलोड बाय द इंटायर हिंदुस्तान, ओके चल जाएगा। लेकिन क्या होगा, वही बात, 10 में से अगर 10 नंबर मिलने हैं तो 10 में से फिर 5 नंबर ऐसे कटते हैं। वो देखता है एग्जामिनर किसने 100% इडियोमैटिक एक्सप्रेशन को फॉलो किया, किसने 100% फॉलो नहीं किया, चलो मीनिंग कन्वे कर दिया, अगर मीनिंग कन्वे हो गया तो कुछ नंबर कम हो जाएंगे, अगर मीनिंग भी कन्वे ना हो तो नंबर कट जाएंगे। लेकिन अगर उसका मीनिंग कन्वे हो रहा है, रिदम नहीं है, वो इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, तो नंबर काफी ड्रॉप हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्या हमें पाकिस्तान के बाद भी शेयर की इम्पैक्ट कम हुई, बस आखिरी सेंटेंस के बाद ब्रेक करेंगे, ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा क्या करते हैं। क्या हमें पाकिस्तान के बाद भी शेयर की अहमियत कम नहीं हुई, अब ये सेंटेंस का हिस्सा है, कैसे पता ही नहीं चल रहा कि ये लहदा की तरफ इशारा किया गया, ये तो बकायदा बिगनिंग पॉइंट बताया गया कि क्या हमें पाकिस्तान से शुरू करो ना और आज तक आ जाओ और देखो कि इसकी अहमियत कम हुई है, तो इसलिए ये शेयर सेंटेंस का हिस्सा है। क्यों हो गया जी, बिगनिंग पॉइंट हो गया। अच्छा अब अहमियत कम नहीं हुई, इस पर दोनों लग सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट भी लग सकता है और प्रेजेंट परफेक्ट भी लग सकता है। पास्ट इंडेफिनिट इसलिए लग सकता है कि कॉन्टेक्स्ट में देखो तो पास्ट इंडेफिनिट यूज हुआ ज्यादा, प्रेजेंट परफेक्ट इसलिए लग सकता है कि वो अहमियत आज भी एग्जिस्ट करती है, तो दोनों लगाओगे गलत नहीं होंगे। मैं पास्ट इंडेफिनिट लगाता हूं तो मैं उसको करता हूं, क्योंकि इडियोमैटिक एक्सप्रेशन एज ए टीचर मैंने बरकरार रखना है, मैं उसको करता हूं, गलत दोनों नहीं है, ठीक है जी। अब सबसे पहले आते हैं, टेंस डिसाइड हो गया मेरी तरफ से, पास्ट इंडेफिनिट, अब बात किसकी हो रही है, सब्जेक्ट कौन है, कौन है सब्जेक्ट यहां पर बताएं, सब्जेक्ट कौन सा है, नो शहर की अहमियत, यस है ना, शहर की अहमियत सब्जेक्ट है, वो कम नहीं हुई, एक्शन उसके ऊपर हो रहा है, कम होना एक्शन है ना, उसके ऊपर हो रहा है एक्शन। द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सिटी होगा जी सब्जेक्ट, द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिटी, क्यों आएगा, इशारा करें, खास की बात हो रही है, सिग्निफिकेंस क्यों आएगा, इंपॉर्टेंस क्यों नहीं आएगा, डिफरेंस है, जाके चेक कर लेना, मैं नहीं बताऊंगा, सब बहुत बड़ा फर्क है। द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सिटी, ये हो गया सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब आएगा डिड नॉट, क्योंकि माइनस में नेगेटिव है, डिड नॉट, द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सिटी डिड नॉट, कम होना, अब चूंकि उसने दौर से शुरू करके आज तक की बात की तो ऐसे कम होने को बदतरीज कम होना चाहिए, बदतरीज कम होने के लिए हमारे पास लफ्ज है dwindle, 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 या lessen, lessen, या decline, ठीक है, decline चूंकि ज्यादा नेगेटिव कनोटेशन में आता है, लिहाजा dwindle इज अ पॉजिटिव कनोटेशन, डिक्रीज नहीं आएगा, डिक्रीज किसी क्वालिटी क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल होता है। तो द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सिटी, ऑफ दिस सिटी डिड नॉट dwindle even after the creation of Pakistan. अब यहां पर even after the creation of Pakistan end पर आ रहा है, beginning में नहीं आ रहा क्योंकि introductory phrase नहीं है। और दोनों sentence में जो even even का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो भी को stress करने के लिए हुआ है। The significance of this city did not dwindle even after the creation of Pakistan. I hope कि आज काफी कुछ समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया होगा तो पहले मुझे बताओ। बाकी समझ आ गया पटेल, बिल्कुल मानूर इस किस्म के एडवेंचर्स नहीं करते, बिल्कुल इस किस्म के एडवेंचर नहीं करने कटेल। कटेल क्या होता है, हमेशा प्राइमरी मीनिंग के हिसाब से वर्ड यूज करते, हमेशा सेकेंडरी मीनिंग के हिसाब से नहीं। जब आप सेकेंडरी मीनिंग के हिसाब से शुरू करते हो ना तो बम हमारा तरफा बनता और वो मीनिंग को डैमेज करता, यही एडवेंचर ले डूबते हैं लोगों को कि जो एक दिमाग में बताओ मुझे क्या हो सकता है कि आपके दिन में डिक्लाइन ड्विंडल या लेसन का वर्ड आता हो, जब आ रहा तो आप उसको क्यों नहीं लिफ्ट करवा रहे, पहले उसको चेक तो करो। कटेल इज अ डिफरेंट कनोटेशन, ये बात याद रखना, सेकेंडरी मीनिंग पे नहीं जाना, प्राइमरी मीनिंग। 15 मिनट की ब्रेक करें, एंजॉय टिल 4:30, उसके बाद बात करते हैं जी फर्दर। मैं आप लोगों को सिखा थक गया हूं, सीएसएस में एडवेंचर नहीं चलेगा, एडवेंचर नहीं चलेगा, सीधा सीधा पेपर है कम्युनिकेशन का, जितने सीधे रहोगे उतना आसान रहेगा, बिल्कुल लीड्स टू एडवांस एडवेंचर, सीधी सीधी मतलब अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी, आ बैल मुझे मार भाई, आपको जब खुद यकीन नहीं है कि मैं इतना कमांड नहीं रखता इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, मैंने अभी सीख रहा हूं तो आप क्यों ऐसे करते, सोचे भी ना,
आप पहले बेसिक्स के ऊपर तो आए ना, बी ऑन टू द बेसिक्स देन मूव ऑन टू दिस. बिकॉज मैं ना आपको बताऊं, मुझे पता है कि मैंने अपने सामने बड़े बड़े लाइक स्टूडेंट्स को फेल होते थे सिर्फ इसी वजह से. मुझे पता है कि उसने कामयाब होना, लेकिन ये गलती करेगा और इसी वजह से चला जाएगा. तो मैं तो बड़ा इरिटेट होता हूँ जब मेरा स्टूडेंट कोई एडवेंचरिज्म करने जाता है. मैं उसको डांटता हूँ, रोकता हूँ, टोकता हूँ. मैं कहता हूँ नहीं भाई, ऐसे नहीं होगा. मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे तुम पास चाहिए, तुम्हारी सक्सेस में मेरी सक्सेस है. मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, तो तुम्हारी सक्सेस में मेरी सक्सेस है. मैं क्यों नहीं इसको ऑन करूं भाई? मैं ऐसे स्टूडेंट को रस्ते से जाने तो नहीं दूंगा कि पढ़ा दूं और चला जाए बस ऐसे ही. ऐसे नहीं होता. मेरी मेरी जिंदगी और है भाई. चलें ब्रेक करो. सब लोग रिस्पॉन्ड कर दें काइंडली. अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड. अपने पास 2019 की 2019 की ट्रांसलेशन निकाल लें. दो हजार इक्कीस 19 की निकालें पहले जरा, फिर मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूँ. वंस यू ओपन इट अप लेट मी नो. मैं आपको बता दूं कैसे ट्रांसलेशन करनी. अभी हम मेक श्योर करेंगे कि आपको ट्रांसलेशन आए, बहुत हद तक आपको प्रैक्टिकल इसका अंदाजा हो जाए. राइट जो मैंने चीजें करवाई है ना, फॉर्मूले के अलावा वो मैंने अभी आपको बाद में लिखवानी है. ठीक है. अच्छा अभी अभी रुके, मैं आपको बताता हूँ क्या करना. वेट फॉर माई इंस्ट्रक्शन. मैं एक दो चीजें देख रहा हूँ पहले. मैं बताता हूँ बेटे, बताता हूँ एक मिनट. अच्छा जी, एक आप 2019 खोलेंगे, एक 2016 और एक 2023. जरा अपने सामने खोलें पहले, फिर मैं आपको बता दूं करना गया अभी. और 2020, एक 2019 होगी, दूसरा 2016 और 2020. ये स्क्रीन तो नजर आ रही है ना आपको पहले. हाँ बेटे, ये स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीनशॉट लिया था इसका, स्क्रीनशॉट लिया था. अब एक बात याद रखना, पूरा लेक्चर देते हुए मैंने बहुत सारी बातें बोली हैं, बहुत सारी बातें. राइट,
वो सारी बातें इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड्स, कुछ बातें स्लाइड्स में हैं इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड्स, और कुछ बातें मैं आपको डिक्टेट करवा दूंगा, बोली सारी है, एवरीथिंग दैट आई हैव सेड इज कंप्लीट लेक्चर बट विल बी डॉक्यूमेंटेड. फॉर एग्जाम्पल इसकी अगली स्लाइड देखें, ये अपने जेन में रूल रखना है, ये बातें मैं बता चुका हूं. आप गौर करें मैंने एक्सप्लेन किया कि नहीं किया, कि मीनिंग वही कन्वे होना चाहिए, इंग्लिश की कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए खराब, ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन से मुराद, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन से मुराद क्या, सारा बताया ना. द सेम थिंग इज रिटन हियर, और एग्जामिनर इन्हीं चीजों को चेक करता है. मैं ये इसको ऊपर करता हूं ताकि आप देख सको. फोर बेसिक प्रिंसिपल्स नोट करें, टेक द स्क्रीनशॉट. इनके ऊपर, चारों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होता. अच्छा, ये बात भी बता दी थी. आई होप कि यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट. मैंने आगे मूव करना है. नेक्स्ट वन, ये फॉर्मूला भी बता दिया राइट, बट आप अपने रिकॉर्ड के तौर पर स्क्रीनशॉट लेते रहिए. So whatever I've spoken and explained in the lecture is either some here is on the slide and some would be documented again. मैं कहूँगा कुछ चीजें और भी, मगर पहले आप ये नोट कर लें. बताते जाएं, मुझे नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया. नेक्स्ट देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस मैंने की थी, आपको याद होगा कि जैसे ही सेंस करें फौरन स्विच करें, याद है ना, जैसे ही सेंस करें फौरन स्विच करें इंग्लिश के फॉर्मूले में, जो जिसके ऊपर मैंने ये भी बोला था कि इस पेज पर टेक टाइम, इट्स नॉट इजी, बट आपने एक्चुअली अपने आपको इस पे लेके आना है फॉर्मूले पे, कि जैसे उर्दू समझ आ जाए उसके बाद फॉरन इंग्लिश के फॉर्मूले को जिंग ले आए. याद होगा ये बात मैंने बड़ी 2-3 मिनट लगा के इसको एक्सप्लेन किया. द नेक्स्ट इज कि जब वो आपकी चेक करेगा इंग्लिश, तो वो ये देखेगा फोर एसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंस कंस्ट्रक्शन. एक्यूरेसी देखे, ग्रामर रूल्स ठीक है, टेंसेस मॉडल लगाने थे वो ठीक लगाए हैं, पंक्चुएशन का इस्तेमाल, स्पेलिंग्स ठीक है जी, ओके डन. अच्छा, अब कुछ चीजें हैं जो बाद में मैं डॉक्यूमेंट करवाऊंगा, कुछ चीजें मैं बाद में डॉक्यूमेंट करवाऊंगा. इस वक्त 4:36 हो रहे हैं, ठीक है, 36 मिनट हो रहे हैं. आपने 15 मिनट ईच तीन पैराग्राफ्स को देना है अपने पास ट्रांसलेशन, तीनों पैराग्राफ के ऊपर, ताकि एक फ्लो में जब करेंगे ना तो समझ आएगी. अगर मैं एक पैराग्राफ दे दूं ना तो उसका फायदा नहीं होगा, उसका फायदा मतलब नुकसान ये होगा, फायदा ये नहीं इसके लिए होगा कि उसके बाद मुझे सॉल्यूशन बताना पड़ेगा, आप फिर भूल जाएंगे उसके बाद. लेकिन आप जब 2-3 को इकट्ठा करेंगे तो पहली ट्रांसलेशन करने के बाद ऑटोमेटिकली इट वुड हिट योर माइंड कि समथिंग व्हाट इज फाइन एंड व्हाट इज नॉट फाइन, हाउ डिड यू अप्रोच द ट्रांसलेशन फर्स्ट and how you should approach now. ठीक है ना, तो ये जो मैं एक्सपेरिमेंट करवाता हूँ, तो दो तीन अच्छी ट्रांसलेशन करवाता हूँ, तो उस पर एक इमीडिएटली पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो उसके चांस बढ़ जाते हैं. तो 2019 पहले, फिर 2016, फिर उसके बाद 2020 का टाइम मिलेगा तो आपने कर, और आपके पास 45 मिनट बनेंगे. आपके 5:20 तक मुझे डन का मैसेज कर, उससे पहले नहीं करना, ये भी मैं बता दूँ. 5:20 तक आप इसको कंप्लीट करें, ओके, 5:20 तक. तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, नोबडी वुड लीव द क्लास, प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस. इसको ऑनेस्टी के साथ बैठ के आराम से करें, किसी चैट जीपीटी गूगल का सहारा नहीं लेना, किसी फोरम का सहारा नहीं लेना, अपनी तवज्जो से, फोकस से, फॉर्मूले को समझ के, लेक्चर को समझ के अप्लाई करें और करके देखें, दफा खुद को अभी सिखाएं ट्रांसलेशन, ओके. 4:20 इंशाल्लाह. Surrounded by one of the world's most beautiful mountain regions, the Coronado Mountains.
शुरू करें जी। आप जैसे दो तीन लोगों का मैसेज आया, शुरू करें। ओके एक सेकंड। नाइनटीन की ट्रांसलेशन मैं बोलता हूं। उसके साथ मैच कर लें, ठीक है? आपने आवाज तो क्लियर आ रही है जी? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ओके, 19 की ट्रांसलेशन मैं बोलूंगा, ठीक है? तो आपने उस ट्रांसलेशन को सुनना है, बेशक लिख लें, और ऑब्वियसली एक ही ट्रांसलेशन में भी बता सकूंगा, तो आपने इसके साथ अपनी ट्रांसलेशन को बाद में मैच करके डिफरेंस नोट करना है। कैसे डिफरेंस नोट करेंगे? नंबर वन, कि जहां पे फॉर एग्जांपल मैंने नाउन बोला है, आपने वहां पर नाउन ही लगाया कि वर्ब तो नहीं लगा दिया? जो कंजक्शन में बोल रहा हूँ, क्या आपके हिसाब से आपकी जगह पर जो कंजक्शन है वो ऐसे आना चाहिए था? यानी सेल्फ एनालिसिस करना आपने, ये स्पून फीडिंग नहीं होगी। जैसे अब आपने पॉलिटिक्स और कल्चर की जगह पॉलिटिकल और कल्चर लिखा, डिफरेंस नजर आ गया था, तो मेरी ट्रांसलेशन के साथ आपने मैच करके अपनी गलती को खुद आइडेंटिफाई करके खुद ठीक कर, ठीक है? उसके बाद उसी बेस के ऊपर आपने दूसरी ट्रांसलेशन को खुद एनालाइज कर, वो फिर हम ट्यूटोरियल में देख लेंगे इसको, ठीक है? फिलहाल मैं जल्दी से बोलता हूँ, आप नोट करते हैं, क्योंकि टाइम शॉर्ट है ना, दूसरी मेरी क्लास है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए पुरअज़म है, क्योंकि अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। सेंटेंस के दो हिस्से, पहला हिस्सा पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए पुरअज़म है। Pakistan is committed to secure peace in Afghanistan. Pakistan is committed to secure peace in Afghanistan. दूसरा हिस्सा but, क्योंकि के मतलब but, अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। But कह रहा हूं, because peace in Afghanistan is extremely important for Pakistan. ठीक है जी? Because peace in Afghanistan is extremely important for Pakistan. अब आपने इट नहीं कहना यहां पर, ये प्रोनाउन रेफरेंस एरर का मसला हो जाएगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए प्रोजेक्ट, पाकिस्तान इज कमिटेड टू सिक्योर पीस इन अफगानिस्तान, ठीक है? बिकॉज पीस इन अफगानिस्तान, ये एम्फेसाइज के लिए लिखा हुआ, इसलिए उसने कॉमा भी लगाया, ठीक है? आपने इट नहीं लिखना, बिकॉज पीस इन अफगानिस्तान इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। रीजन मैंने समझा दिया, कॉमा क्यों लगाया है, प्रोनाउन और रेफरेंस अगर आएगा तो आपको समझ आ जानी चाहिए। तारीखी तनाजर में देखा जाए, हिस्टोरिकली सीन, ठीक है जी? ये अब आप देखिएगा ना, ये बात भी अगर मैं इस तरह कमेंट्री करने लग पड़ूंगा तो एक भी ट्रांसलेशन आप नोट करें, उसके बाद देखें इसके साथ कैसा बनता है। वैसे तो कमिटेड का डिटरमिन बनता है, डिटरमिन फॉर पीस इन पाकिस्तान, बट जो इसकी इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है वो कमिटेड का लफ्ज इज द ओनली राइट, ठीक है?
ये उस केस में आएगा जब, जैसे मैंने बाकी नहीं बताया कि दूसरी ट्रांसलेशन चल तो जाएंगी लेकिन मार्क्स कैसे कम देंगे, इसलिए आप इसके तजुर्बा जाके साथ देखना ना, आप पहले नोट करो और फिर उसके साथ एनालाइज करो, ठीक है। तारीखी तनाजर में देखा जाए, हिस्टोरिकली सीन, हिस्टोरिकली सीन या इन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट या इन द हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव, ये दो भी जो भी लिखेंगे इनके बाद कॉमा जरूर डालना। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान पड़ोसी ब्रादर इस्लामी मुल्क होने के नाते तारीखी सकाफती लसानी रिश्तों में जुड़े हुए हैं। अब ये भी लॉन्ग सेंटेंस है उसी तरह, तो इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पाकिस्तान अफगानिस्तान जुड़े हुए, ये बेसिक चीज़ है, यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान आर बाउंड अप या टाइड अप, ये बेसिकली होगा। अब उसके बीच में फिल इन द ब्लैंक्स आप करो, वो फिल इन द ब्लैंक्स आएंगी तो फिर कैसे बनेगा वो दा स्ट्रक्चर सुन लो। पाकिस्तान, एक सेकेंड, अच्छा जी, पाकिस्तान आपको याद है मैंने शुरू में सेंटेंस में कहा था लॉन्ग हो तो उसको पहले ब्रेक कर लेते, ही इज परिवार, उसी एग्जांपल को ले रखो ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है और उसका वर्ब क्या है, उसको देखते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान जुड़े हुए हैं बेसिकली, तो ये बनता है ना, यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान टाइड अप या बाउंड अप, ठीक है ना। अब उसके बाद डिटेल्स आते हैं, वो डिटेल्स आएंगी तो कैसे बनेगा, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान हिस्टोरिकली सीन कॉमा पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बीइंग नेबरली इस्लामिक ब्रदरन कंट्री, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बीइंग नेबरली इस्लामिक ब्रदरन कंट्रीज आर टाइड अप या आर बाउंड अप इन हिस्टोरिक कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक रिलेशंस, हिस्टोरिक कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक रिलेशंस। आगे समझिए, मुझे साथ साथ रिस्पॉन्ड कर देना। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान हिस्टोरिकली सीन कॉमा पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बीइंग नेबरली इस्लामिक ब्रदरन कंट्रीज आर बाउंड अप इन हिस्टोरिक कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक रिलेशंस। यार रिस्पॉन्ड भी करते जाए ना मुझे, बेटा बच्चे मुझे नहीं पता चलता कि आप सुन रहे हो या नहीं। ओके, ये रिश्ते टूट हैं। अब रिश्ते टूट है, लफ्ज़ नहीं आता आपको, पूरे कॉन्टेक्स्ट पे देखो, पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझो, पूरे कॉन्टेक्स्ट पे बात क्या होती है। बात देखी या बता, पहले सेंटेंस में उसने बता दिया कि बड़े साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं और वो इतने टाइट अप, तो इसका मतलब है ये रिश्ते टूट है का मतलब उसके अपोजिट जाके सोचो कि ये रिश्ते टूट नहीं सकते। दीज रिलेशन आर अनब्रेकेबल, इनसेपरेबल या अनब्रेकेबल, दीज रिलेशन आर अनब्रेकेबल, दोनों का इनसार एक दूसरे पर है और दोनों अलग अलग कहीं नहीं रह सकते, इसके भी दो हिस्से कर लो। बोथ द कंट्रीज, अब बोथ खाली नहीं कहना, बोथ द कंट्रीज कहना, ताकि वो जो प्रोनाउन रेफरेंस आ रहा है वो इश्यू ना पैदा हो, ठीक है ना। अंग्रेजी में आपको लिखना पड़ेगा बोथ द कंट्रीज डिपेंड ऑन ईच अदर, एक हिस्सा, और दोनों अलग अलग रह नहीं सकते, मीन दोनों में से कोई भी नहीं रह सकता, एंड नाइदर कैन लिव विदाउट द अदर। बोथ द कंट्रीज डिपेंड ऑन ईच अदर and neither as a subject use over there, neither can live without the other, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो both the countries are interdependent and none of them can live neither of them can live without the other, ऐसे भी लिख सकते हो, neither of them can live without the other। पाकिस्तान का मौकफ जी वो हो गया ना inseparable, पाकिस्तान का मौकफ रोजेवल से यही रहा है कि अफगान मसले का सियासी हल निकाला जाए। अब दो हिस्से हैं इसके, पाकिस्तान का मौकफ रोजेवल से यही रहा है, मीन उस वक्त से लेकर अब तक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, एक हिस्सा। अफगानिस्तान मसले का सियासी हल निकाला जाए, ये सजेशन है, तो शुड इस्तेमाल होता है, मस्ट इस्तेमाल होता है। अब इसको कैसे लिखेंगे, पाकिस्तान अपोस्ट्रोफी लगा के ऐसे लिखो, पाकिस्तान्स बन जाएगा, पाकिस्तान अपोस्ट्रोफी लगा के अगर ऐसे लिखोगे तो ये पाकिस्तान्स बन जाएगा, और आगे लिखो स्टांस, पाकिस्तान्स स्टांस हैज बीन सिंस द डे वन, या ये भी लिख सकते हो फ्रॉम द डे वन पाकिस्तान्स स्टांस हैज बीन दैट, दैट के बाद लिखो कि वो कह रहा है सोल्यूशन निकाला जाए, यानी सजेशन दे रहा ना दैट अ पॉलिटिकल सोल्यूशन, दैट अ पॉलिटिकल सोल्यूशन टू अफगान प्रॉब्लम शुड बी फाउंड, दैट अ पॉलिटिकल सोल्यूशन टू अफगान प्रॉब्लम शुड बी फाउंड। गेटिंग द पॉइंट,
Pakistan's stance has been since the day one that one solution to one problem, a political solution to one problem should be found. इस मौकफ की हमारे चीन भी करता है, मौकफ हो गया उसके पॉइंट ऑफ व्यू, चीन भी करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, इवन चाइना सपोर्ट्स दिस स्टांस या चाइना फेवर्स दिस स्टांस, इवन चाइना सपोर्ट्स दिस स्टांस या इवन चाइना फेवर्स दिस स्टांस। इस जमन में चीन ने कहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा है, कंप्लीट किया है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट चाइना हैज सेड, इन दिस कॉन्टेक्स्ट चाइना हैज सेड। आगे अगला हिस्सा है कि अफगान तनाजे का अफगान क्यादत में होने वाले अमन मुजाकसे से ही हल मुमकिन है। अब अगेन लॉन्ग सेंटेंस आ गया, तो क्या कहना चाह रहा है, क्या मुमकिन है, हल मुमकिन है, किसका हल मुमकिन, अफगान तनाजे का। तो बेसिकली तो ये हो गया ना, ये द सॉल्यूशन टू अफगान प्रॉब्लम लाइज, ये बेसिकल सेंटेंस हो गया। अब फिल इन द ब्लैंक्स करो, सॉल्यूशन टू अफगान प्रॉब्लम लाइज हो गया, बेसिक हो गया ना, हमेशा पहले बेसिक इंग्रेडिएंट देखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो द सॉल्यूशन टू अफगान प्रॉब्लम लाइज इन पीस नेगोशिएशन, ठीक हो गया, ये बेसिक हो गया, यानी अफगान तनाजे का अमन मुज़ाकरात में हल मुमकिन है, यानी सॉल्यूशन टू अफगान प्रॉब्लम लाइज इन पीस नेगोशिएशन इन्वॉल्विंग अफगान लीडरशिप, ठीक है जी, इन्वॉल्विंग अफगान लीडरशिप। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट चाइना हैज सेड दैट, इन दिस कॉन्टेक्स्ट चाइना हैज सेड दैट दैट सॉल्यूशन टू अफगान प्रॉब्लम लाइज, ठीक है, इन पीस नेगोशिएशन इन्वॉल्विंग अफगान लीडरशिप। You got my point? पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के लिए वहां तनाजे को मुज़ाकरात के जरिए हल करने में अपना किरदार अदा करेंगे। फिर लंबा सेंटेंस आ गया, और क्या करेंगे, बेसिकली किरदार कौन अदा करेगा, पाकिस्तान चीन करेगा। हमेशा वर्ब को देखा करो, वर्ब कहाँ है और कौन वो एक्शन कर रहा है, बस इससे सब्जेक्ट वर्ब आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो पाकिस्तान और चीन किरदार अदा करेंगे ना, सो इसका मतलब हुआ पाकिस्तान एंड चाइना विल प्ले देयर रोल, ठीक हो गया। अब विल प्ले देयर रोल किसके लिए, ठीक है, किसके करेंगे, टू रिजॉल्व टू सॉल्व अफगान कॉन्फ्लिक्ट, किसके जरिए, थ्रू नेगोशिएशन, ठीक है। अब ये जो था चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के लिए इजाफी इंफॉर्मेशन, देखो जुमला तो समझ आ गया ना, अगर मैं इसको बोलूं पाकिस्तान एंड चाइना विल प्ले देयर रोल इन रिजॉल्विंग अफगान कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, थ्रू नेगोशिएशन, जुमला कंप्लीट हो गया या नहीं हो गया बताएं, पाकिस्तान एंड चाइना विल प्ले देयर रोल इन रिजॉल्विंग अफगान कॉन्फ्लिक्ट थ्रू नेगोशिएशन, हो गया या नहीं हो गया बेटा, हो गया ना। अब इसका मतलब है ये स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के लिए ये इजाफी सेंटेंस है, इसको आप कॉमास में भी लिख सकते हो, यानी पाकिस्तान एंड चाइना कॉमा फॉर देयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कॉमा विल प्ले देयर रोल इन रिजॉल्विंग ऑन कॉन्फ्लिक्ट थ्रू नेगोशिएशन। आई समझना। अब आप में से बताएं कितने परसेंट मेरे साथ मैच कर रहे हैं, कितने परसेंट आपकी ट्रांसलेशन मेरे साथ मैच कर रही है, 70, 80, 60, 70, ओके, अच्छा, गुड, ओके, मैंने आपको उससे कदरे आसान दी थी, बट इवन देन आई कंग्रेचुलेट, अगर आपने 50% भी किया ना, दैट इज ग्रेट अचीवमेंट, 50% भी किया, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, आई वॉज एक्सपेक्टिंग 30%, If you have done 50%, I appreciate that. ठीक है जी, तो बाकी इसी के मुताबिक आप अपनी ट्रांसलेशन को ठीक करें और जो हुई है उनको भी रीचेक करें, उसके ऊपर काम करें। नेक्स्ट क्लास पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से पहले मुझे आपने याद करवाना है कि थोड़े से रूल्स उर्दू ट्रांसलेशन के डिक्टेट करवा दें आपने, सब कुछ चीज़ें जो स्लाइड्स में दिखा दी थी थोड़ी सी आपने डिक्टेट भी करवानी है, मैं वो 5-10 मिनट डिक्टेट करवाऊंगा, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करें इंशाल्लाह, ठीक है जी। चले, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।